चलो अब ध्यान से सुनेंगे मैं क्या देने वाला हूँ। देखो सर ऐसा है, मतलब मेरे जितने भी कोर्सेज आते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है, सभी कोर्सेज का सबसे बेसिक कोर्स है ये, बेसिक इन द सेंस कि ये आपकी रूट्स का काम करेगा। ये कोर्स जो है आपको ज्योग्राफी में बार बार कमांड दिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है, समझ में आई बात। इसलिए इस कोर्स को बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत कुछ डिस्कशन होगा इसमें, काफी कुछ चीजें मैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। सुन लिया सबने, सबके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी लाइन पढ़ें, ये पढ़ें, कौन सी बुक लें, नोट्स बनाएं, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश में, सब बताऊंगा, बस मुझे ज़्यादा रुक जाओ, सब बता दूंगा, थोड़ी देर बस बैठे हुआ, ठीक है। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो जब भी ज्योग्राफी आप शुरू करो तो मेरा एक गाइडेंस आप लोग लेना, सबसे पहले आप फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना हमेशा। अब प्रॉब्लम यह है कि व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, ये भी नहीं पता हमें तो, ठीक है। आधुनिक का जो जीवन है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में टेंशन में जाता है, ये चल क्या रहा है, बहुत सारे डाउट उनको हम समझते हैं पहले तो। मैं 10-15 मिनट लूंगा, जितने भी ओल्ड लर्नर्स हैं थोड़ी देर आराम से बैठना, चीजें हो सकता है आपको लगेगी तो सर बहुत आसान है, थोड़ी देर आराम से बैठिए, चीजें आप लोग ऑटोमेटिकली फिर नई वाली जो है मिल जाएगी, ठीक है। देखो क्या होता है कि नॉर्मली हम लोगों को समझने के लिए मैं कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं लिख देता हूँ इंडियन ज्योग्राफी, ऐसा लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड और इंडिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है, कि चलता क्या है, चल क्या है, ये सब कुछ। तो ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में हर चीज आती है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैं जो पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, एक पार्ट में कर देता हूँ मैपिंग वाला अलग से सेपरेट, पूरा मैप जिसमें हम लोग आज दोपहर 2 बजे शुरू किया, ठीक है ना, बिल्कुल 2 बजे शुरू किया ना हम लोगों ने, तो वो है ये पूरा जो है मैप वर्क इसमें आ जाए, और इसी का ही एक हिस्सा जो शुरू कर रहे हैं हम लोग वो अभी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। इनको हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो इसमें पढ़ोगे वो इसमें अप्लाई होते हुए भी आपको दिखाई देगा। तो कोई बोले ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी कि नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोनों चीजें आती हैं, वर्ल्ड का पूरा मैप वर्क भी आता है, समझ में आई बात, और वर्ल्ड का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आती है। वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या बताता हूँ, वो बताऊंगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में सिंपल है, इंडियन ज्योग्राफी में पूरी उसकी फिजिकल इंडिया की जो फिजिकल है, ठीक है, उसमें वहीं पर उसकी कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी, कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब हम पूरे वर्ड आपको प्रॉपर समझा। तो पहले तो मुझे बस ये वर्ड को समझाना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब क्या, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब ये कि उसमें मैं मैपिंग कराऊंगा और फिजिकल कराऊंगा, ये 2 बजे कोर्स चल रहा है और शाम को 7 बजे, ठीक है। अगले महीना जो होगा वो ये वाला पिक्चर शुरू, अगले मंथ इसकी कहानी देखिए, क्लियर होगा, और तरीका यही सही होगा, पहले इसी को कवर करना है आपको, तब इसको कैसे मैं समझा। जैसे मान लो इंडिया में, मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूं, सुनना मेरी बात, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि यदि इंडिया का एग्रीकल्चर आपको पढ़ना, एग्रीकल्चर तो पता है, कृषि के बारे में पढ़ना, मैं सब बता दूंगा, सोर्सेज बुक वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। इंडिया का यदि आपको हाँ दोनों ज्वाइन करना है आपको, ठीक है, 2 बजे वाला 7 बजे वाला, इंडिया का यदि आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है तो क्या लगता है, किसी भी रीजन के एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, क्या बहुत बेसिक चीज चाहिए, तब जाकर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो चीज होगी सर, एक तो सॉइल और दूसरी क्लाइमेट, इतना बताना कि जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक सॉइल नहीं होगी, हवा में तो नहीं उगालोगे गेहूं चावल वगैरह, सिंपल, बहुत सिंपल चीज है, ठीक। अब बुद्धि लगाना आपने, सॉइल सोचो क्या चीज नहीं होती आपके नेचर में, तो सॉइल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सोचो आराम से, क्या चीज नहीं होती, तो सॉइल कभी होता ही नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड एज रॉक, चट्टानी नहीं होती। किसी की बुद्धि में भी ऐसा लग रहा हूँ कि रॉक्स को मिला दूं तो सॉइल बन जाता है, या सॉइल को मिला दूं तो रॉक्स बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो आएगा वो रॉक आता है, रॉक के बाद सॉइल आता है, समझ में आएगा, पहले चट्टानी आएंगी फिर मृदा आएंगी, पढ़ेंगे इनको भी हम लोग। रॉक कहां से आया होगा, वरदान में, आज तो जो है आज यहां पर इतने सारे रॉक्स इकट्ठे हो जाए, वरदान में नहीं, इसको लेकर आया कौन, लावा, समझ में आई बात, क्योंकि लावा जब कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो चट्टान बनती है, सॉलिड स्टेट उसका रॉक है, आई बात समझ में। लावा के पहले लावा भी कहां से आया होगा, आपको मालूम है लावा जो आया है वो वोल्केनो से आया, और वोल्केनो भी कहां से आया, ऊपर हवा में से आया, इंटीरियर से, अर्थ के इंटीरियर से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। अब इसका मतलब यह है कि यदि आपको पृथ्वी का इंटीरियर या पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं है तो क्या आप वोल्केनो समझ पाओगे, प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे। आप लावा के कॉन्सेप्ट कभी समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। आप रॉक के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। आप सॉइल के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। तो फिर एग्रीकल्चर क्या बोल लेंगे, आई बात समझ। फिर क्लाइमेट की बात कर लो, क्लाइमेट में जब आपको पता है प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इंडिया का मॉनसून वगैरह, मतलब बेसिक एटमॉस्फेयर नहीं पता है, तो क्या क्लाइमेट सीखोगे और क्या एग्रीकल्चर करोगे। कहने का मतलब सिंपल है कि आज की जो क्लास है हमारी, नाम क्या है उसका, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी वो ब्रांच है ज्योग्राफी में जिसमें आप अर्थ के इंटीरियर को पढ़ते हैं, मतलब पूरा जितना भी जिसको कह सकते हो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, या एक तरह से आप ये कह सकते हो जिसमें लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हो, रॉक्स के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी इसी में पढ़ते हो, और ओशनोलॉजी इसी में पढ़ते हो, मतलब ज्योग्राफी का जो बेस है, चीजें कहां से आई है वो सब पहले आप फिजिकल में पढ़ते हो, उसके बाद जाकर आप एग्रीकल्चर मतलब इंडिया में जाइएगा। फिर समझ आ रही है मुझे, एक बैठक और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तब आपको पहले समझ आया कि ये क्यों पढ़ना है हम लोग, तब जाकर क्लियर होगी। मतलब एक ब्रांच मैंने आपको बना दी फिजिकल वाली, अच्छा फिजिकल ज्योग्राफी, हिंदी मीडियम, भौतिक भूगोल कहते हैं, क्या होता है फिजिकल का मतलब, क्या होता है, ठीक है, फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब ये होता है जिसको आप देख सको, जिसको टच कर सको, ठीक है, जिसको महसूस कर सको। तो ज्योग्राफी में क्या है, ये ग्लास, टेबल, चेयर, ये तो नहीं करोगे आप, क्या करोगे, इट कैन बी माउंटेन, इट कैन बी रिवर, इट कैन बी प्लेट्यू, समझ रहा मेरी बात, है ना, ये डेजर्ट हो सकता है, ये एक विंड हो सकती है, ये एक साइक्लोन हो सकता है, ये ओशियन हो सकता है, मतलब जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं आपके आसपास की, वो सब फिजिकल में करो। अच्छा, ये भीड़ में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या व्यवस्था कर ली, हम लोगों ने 3 वर्ड निकाले, लिथ, लिथ मीन्स होता है रॉक, जो भी चीज आपको रॉक से बनी हुई दिखाई दे रही है वो लिथोस्फीयर में आ जाएगा। लिथोस्फीयर मतलब क्या, लिथ मतलब रॉक, स्फीयर पूरी पृथ्वी स्फीयर है ना, तो जो भी चीज होगा वो स्फीयर आकार में होगा, ठीक है। तो जितनी भी चीजें, जितनी भी चीज, मतलब सुनना, माउंटेन रॉक है, माउंटेन रॉक है, पर्वतों में, वैलीज में रॉक है, प्लेटू में रॉक है, है कि नहीं है, रॉक भी खुद रॉक है, तो जो भी चीजें आएंगी वो सब किसने पढ़ते, अच्छा वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब किसने पढ़ते हुआ, लिथोस्फीयर। एक हिस्सा कौन सा आता है, एयर, विंड, रेनफॉल, कंडेंसेशन, क्लाउड, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, ये किसमें जाएगा, ये क्लाइमेट में जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी। फिर एक हिसाब का क्या जाएगा, एक हिसाब का ओशियन, ओशियन करंट्स, ये सब चीजें किसमें जाएंगे, आपके हाइड्रोस्फीयर में जाएंगे। अब इन सब चीजों को फील कर लो, क्या आप इनको देख सकते हो, हाँ जी पर्वत को देख सकते हैं, तो फील कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप विंड की बात करो, चाहे साइक्लोन की बात, जो भी चीज आप फील कर पा रहे हो, जो चीज देख पा रहे हो, वो सब चीज किसमें पड़ जाओ, फिजिकल ज्योग्राफी। पिक्चर समझ आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अब एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, हिमालय लिखा मैंने, हिमालय इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ये लिख दिया मैंने, हिमालय अब तक सुना है कि पर्वत है, पर सर आज आपने वर्ड लिख दिया फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है, ठीक है।
सुनना मेरी बात, क्या लिखा है स्टेटमेंट हमने, हिमालय इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। सर तब तो मैंने माउंटेन सुना था, फोल्ड क्यों लगा दिया आपने, हिंदी मीडियम भले पढ़ते सुने। कहने का मतलब क्या है, ये वो कोर्स है आज हमारा फिजिकल ज्योग्राफी वाला जिसमें आप सीखोगे कि व्हाट इज माउंटेन, टाइप्स ऑफ माउंटेन, और फिर वैसे माउंटेन और दुनिया में कहां कहां है वो पढ़ोगे आप दोपहर में। जैसे मान लो क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं मैं, सुनना मेरी बात सुनिए प्लीज। सियरा नेवाडा इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, सुनना मेरी बात। सियरा नेवाडा इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक, नो डाउट सियरा नेवाडा एक माउंटेन है, बट वो किस टाइप का है, क्या लिखा है इसमें, ब्लॉक खंड जिसको कह रहे हैं। ये ब्लॉक कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ोगे आप, कहां पढ़ोगे, वो सब पढ़ोगे आप किसमें, फिजिकल। पहले आप देखोगे कि माउंटेन बनते कैसे हैं, किस टाइप के माउंटेन होते हैं, वो जब आप पढ़ोगे ना वो फिजिकल ज्योग्राफी। बट वैसे माउंटेन वो कहां कहां मिलेंगे, तब फिर आपका वर्ल्ड मैपिंग काम आएगा। अच्छा यूएस में मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, तब आप वर्ल्ड मैपिंग मिला। पिक्चर समझ में आई दोनों का। तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको सिखाता है ज्योग्राफी एक्जिस्टेंस में कैसे आई, कैसे इन सब चीजों का निर्माण हुआ, कैसे इन चीजों का फॉर्मेशन हुआ। यही हुआ तो मेरे घर के सामने क्यों वोल्केनो नहीं है, वोल्केनो है तो वही क्यों है, मेरे घर के सामने आपको क्यों नहीं आता, वही क्यों आता, जहां आता, समझ लूंगा। इन सब चीजों का आंसर कौन देगा आपको, फिजिकल। जब तक आप फिजिकल नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आपको पता ही नहीं है कि कोई माउंटेन कैसे बनता है, मुझे बात बता दो, इंडिया के माउंटेन पढ़ने का कोई फायदा है, इंडिया के प्लेटूस पढ़ने का कोई फायदा नहीं, बात कोई फायदा नहीं है। इसलिए हालांकि लास्ट टाइम बच्चों ने बहुत मेहनत की मेरे साथ, मैंने कोशिश पूरी की फिजिकल के भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दिया, तो बेस्ट पैटर्न ये होता है कि आप पहले फिजिकल पढ़ लो अच्छे, तब तो जाकर चीजें बहुत अच्छे से कनेक्ट करो। जब आपको विंड सिस्टम ही नहीं पता है, क्लाइमेट नहीं पता, मॉनसून कैसे पढ़ पाएगा। सो सब लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 10 मिनट आप लोगों के लिए मैंने इसलिए लिए हैं कि आप समझ पाओ कि कोर्स कितना ज्यादा काम का है। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब ये सबसे ज्यादा बेस है, और यूपीएससी का करता है यही, हर साल देख लेना मेंस में कम से कम एक से दो क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से डायरेक्ट आते हैं, कोई संबंध नहीं है इसका करंट अफेयर्स, कोई संबंध नहीं है करंट अफेयर्स, डायरेक्ट आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ जाए, मेंस की बात कर रहा हूँ, ये हुई बात। प्रीलिम्स में तो आना ही है, दो से तीन क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल जाएंगे, और वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट बेस है, समझ गया तो ठीक है, भावा नहीं लगेगी। यही सब चीजों को मुझे सिखाना है कि कभी डरना लगे क्वेश्चन को, और बस ध्यान से जिस पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न पर चले, नो डाउट आपके सब क्वेश्चन लगभग सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो तो अब आपको समझ में आ गया कि फिजिकल ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है और ये कोर्स हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। आगे बात, हमें सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन एक आपका क्वेश्चन कवर होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या 2 बजे वाली क्लास लेना जरूरी है, बिल्कुल लेना है आप लोगों को, 2:30 वाली क्लास चल रही है हमारी, क्योंकि उसमें आप वर्ल्ड के मैपिंग का क्वेश्चन पढ़ी होगी, तभी जाकर आपके दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कवर हो गई, ठीक है। और इससे अच्छा यह है कि आप नेक्स्ट मंथ फिर इंडियन ज्योग्राफी प्रॉपर शुरू कर सकते हैं। चलो यहां तक समझ में आई बात। दूसरी चीज, अरे मैं ऑप्शनल की बात क्यों लाऊंगा बीच में, प्लीज ऑप्शनल में मत परेशान हो, अभी जीएसई पढ़ना है ना, और अब वहां की क्लास की चिंता होगी, वो कब शुरू होगी अगले महीने, अरे अभी ये तो पढ़ो, ये पढ़ो, बातें करने का कहता हूं, कैटेस हो जाते हैं, कोई जाती है सब होगा, रुको अभी ये पढ़ो पहले। दूसरी चीज सोर्स, ठीक है, क्या करें, कहां से पढ़े, कौन सी बुक खरीदें, लॉकडाउन में ये है वो है, दोनों मीडियम के लिए बता देता हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, कॉमन ये रहेगा। मैं बात कर रहा हूं इस कोर्स के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपको करना है 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी सुन लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कौन सी उसमें लिखा रहेगा, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अब कैसे पढ़े, क्या करें, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से, जब भी कोई टॉपिक एंड होगा ना, इट कैन बी इन 2 क्लासेस 1 क्लासेस, जो भी 2 क्लास हो चाहे 1 क्लास हो, जब भी कोई टॉपिक एंड होगा मैं खुद आपको बताऊंगा कि कौन से पेज नंबर से कौन सा चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी। पहले कोई भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी है अपनी, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आगे बात समझ में, सबसे पहले आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दें, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ें, पहले नहीं पढ़ना है, सुन लिया सब, क्या बोला मैंने। जैसे मान लो मैंने पढ़ाया रॉक्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पढ़ाया रॉक्स, मैं आपको बताऊंगा भैया ये चैप्टर 11th क्लास की एनसीईआरटी से इस वाले चैप्टर से पढ़ लेना, लेकिन वो कब पढ़ना, जब मैं बोलूँ तब, ये हो गई बात। इसी ग्रंथ में लिखा है कि सर की क्लास लेने से पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना, तो सर की क्लास अच्छे से समझ में आती है, सब जहरीली बातें हैं, कुछ भी नहीं है, सब गलत बातें हैं, जब सर पढ़ा रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी रीडिंग समझ में आ जाती है, आपको कुछ नहीं करना। पहली चीज तो ये हो गई, सबसे बेसिक नोट्स एनसीईआरटी, आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ढंग से समझ गए मेरे लेक्चर सुनने के बाद, आपको फिजिकल ज्योग्राफी में किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी एड ऑन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी लियोन बुक को एक बार रीड जरूर करना, लेकिन कब, जब एनसीईआरटी 11 कंप्लीट हो जाए तब, सुन लिया सबने। हिंदी मीडियम के लर्नर्स कोशिश करें, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल जाएगा, अब आपके पास एक बुक आएगी परीक्षा वाणी करके, है ना, परीक्षा वाणी आप पढ़ सकते हो, जिस लियोन का तोड़े वो, मतलब हिंदी मीडियम, ठीक है। बाकी अननेसेसरी कोई भी बुक में जाना, रिक्वेस्ट है आपसे, उतने समय में एमसीक्यूज लगा लेना, जीवन धन्य हो जाएगा। अगली बात समझ में, ये जो है ना, ये स्कॉलर और स्कॉलर जो है, सब अच्छी बुक्स हैं, कोई बुक बुरी नहीं है, पर बात है मुझे आपका सिलेक्शन कराना, बात है मुझे आपके क्वेश्चन कराना, स्कॉलर वो मेरे काम की बुक है, मैं पढ़ा लूंगा आपको पढ़ा। अगली बात समझ में क्लियर हो गया, हाँ, तो वो अच्छे अच्छे इंग्लिश वर्ड को लिखने से कोई फायदा नहीं है कि मैं एज स्कॉलर स्कॉलर लगा दूँ, बुनियाद लगा दूँ, ये लगा दूँ, वो लगा दूँ, कोई मतलब नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ लो और क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा, टीचर बनना हो तो पढ़ लेना स्कॉलर स्कॉलर, ठीक है, दोनों हाथों से पढ़ना, ठीक है। जीसी लियोन वगैरह ऐसा कुछ नहीं, अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, मैंने जो बोला उसको सुनो ध्यान से, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले 11th की एनसीईआरटी पहले प्रॉपर कंप्लीट करना, मतलब पहले मैं पूरा पढ़ा दूंगा फिजिकल, साथ में एनसीईआरटी कवर हो जाएगी हमारी, उसके बाद जीसी लियोन खाली टाइम उठा, पहले मतलब सुनने, और नहीं तो उधर जो है वो आप परीक्षा वाली हिंदी में उठा। क्या करेंगे 6 to 10 का, क्या करेंगे, तो आप 11th की करो, अभी स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस जो होंगी ना, उसमें 6 के इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे शुरू के कवर हो जाएंगे, और जिस दिन आपने मेरी पूरी क्लासेस कर ली 11th की कंप्लीट कर ली, एक दिन में 6 to 10 की एनसीईआरटी रीड कर लेना, सब समझ में आ जाएगा, सब मेरा काम है वैसे पढ़ा दूंगा। आई बात समझ में, ये पास शुक्ला जी को लिख रहे हैं ना, बिल्कुल सही लिख रहे हैं वो, मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बैठना मेरी क्लास और सुनना है बस, ठीक है। चलो ये हो गई बात, 2 क्वेश्चन आपके कॉमन क्वेश्चन कवर हो गए। ये कोर्स कहां से होगा भैया, 0 लेवल से करूंगा मैं, बेसिक लेवल से, एकदम कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन के साथ करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन नोट्स का कर रहे हैं, अब नोट्स में ध्यान से सुनना, नोट्स में या तो पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास, नहीं तो नोट्स को अपने आप में खुद अपने आप में एनसीईआरटी लेना, वो खुद अपने आप में नोट्स, बट कोशिश करना जो मैं पढ़ा रहा हूं, सुनना मेरी बात, उसको सिर्फ सुनना, समझना, ये टॉपिक ना लिखने के नहीं है, ये सब जो है समझने के टॉपिक्स, हर चीज लिखी हुई है बुक में, फिर भी आपको ऐसा लगता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है यार ये चीज मेरे लिए नहीं है, न्यू है, मतलब लिख लेना चाहिए, तो प्लीज आप थोड़ा सा शॉर्ट में उसको आप लिख लें, इसमें लिख लें शॉर्ट में, लिख लें नॉर्मली सिंपल। अब जैसे आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ोगे, जिसमें बोलोगे आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ना, पढ़ने के बाद फिर अपने खुद की भाषा में नोट बनाना, खुद की भाषा एनसीईआरटी रीड करने के बाद ही बनाना, क्लास में जो पढ़ा रहा हूं उसके पीछे मत भागना, भागो, लेकिन कुछ काम कीजिए, नोट डाउन करो ताकि क्लास याद रहे थोड़ी थोड़ी, जैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ध्यान से सुन लिया।
दो बार नोट्स नहीं बुलाने, मैंने क्या बोला नॉर्मली क्लास में जो बहुत काम की चीज लगती है तब भूल जाओगे, क्योंकि हमारा ध्यान क्लास में नहीं रहता, हमारा ध्यान नोट्स बनाने में रहता है। मैं कह रहा हूं भरोसा करके ध्यान से सुनो बस मेरी क्लास, समझ में आई बात, थोड़े से रनिंग नोट्स बनाना हो तो बना लो, नहीं तो साइड में मार्जिन छोड़ देना, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और एडअप कर लेना बस, क्लियर हो गई बात। बाकी थोड़ा सा ध्यान समझने में ज्यादा दो, उस पर ज्यादा फायदा हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो बेसिक तीन चार क्वेश्चन थे वो आपके कवर होंगे। सर मेंस का क्या करें? अरे प्रभु चिंता मत करो, मेंस मेंस की अभी आप पहले सब्जेक्ट को समझ लो, गेट बना अपना समझ लो, फिर तब आप प्रॉपर आंसर भी लिख पाएंगे। मैं कोर्स अलग से ले आऊंगा, जहां मेंस का कभी आ जाएगा तो पूरा प्रॉपर कोर्स ले आऊंगा, जिसमें मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हर साल कराता हूं, इस बार भी करा दूंगा, पर पहले आपको ज्योग्राफी आनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स का क्या करोगे? एक साथ बना दिया, एक साथ बच्चों को पढ़ाया है, आपको लगता है तो आप जाकर सो देना, नहीं तो आप लोग के लिए आगे आने वाले टाइम में आ जाए, ठीक है। अगली बात समझ में, अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, बाकी जो चीजें हैं आपके मैं आपके नाम लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ में। अब नाजर की जो ओल्ड वाली बुक्स हैं वो वाली करना, ओल्ड एमसीक्यूज़ वाली उसको लगाते रहना, लेकिन अभी मत लगाना, टॉपिक जरा हो जाने दो, उसके बाद धीरे धीरे ओल्ड पेपर से शुरू करते हैं, मेरी कुछ क्लास तक के साथ। चलिए तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने बोल दिया है ना, चैप्टर बता दूंगा जब कोई बड़े टॉपिक एंड हो जाएगा, टॉपिक एंड हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी कहाँ से क्या पढ़ा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बचपन से आप जब ज्योग्राफी शुरू करते हो तो कुछ वर्ड हमेशा आते हैं, एक आता है कॉन्टिनेंट, ठीक है, हो सकता है कुछ लर्नर्स को जो थोड़े मतलब पहले से पढ़े होते हैं उनको ऐसा लगेगा कि सब जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, टाइम जो है हमारा वेस्ट हो रहा है, कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है। रिक्वेस्ट है थोड़ी देर शांति से बैठे रहो, क्योंकि ये चीजें बहुत काम की हैं, ये बेस बनाएंगे और इनमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप गलत करें, थोड़ा इसमें भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो तो कुछ वर्ड आप पढ़ते हो बचपन से, कॉन्टिनेंट जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग महाद्वीप, फिर एक वर्ड पढ़ते हो सिंपल आइलैंड जिनको हम लोग कहते हैं द्वीप, फिर आप एक वर्ड पढ़ते हो पेनिनसुला, पेनिनसुला बताओ होगा प्रायद्वीप, इंडिया से पेनिनसुला कंट्री, फिर आप एक वर्ड पढ़ते हो स्ट्रेट्स जल संधि, ठीक है, फिर आप एक वर्ड पढ़ते हो इस्थमस, इस्थमस जिसको आप कहते हैं, इनको मत लिखने लगना, क्या लिखने लगे कॉपी में फटाफट लिखो फटाफट कॉन्टिनेंट आइलैंड पेनिनसुला, इनको मत लिख, सुनो मेरी क्लास को सुनना है आपको, मैं यहीं बैठा हूं कहीं नहीं जाऊंगा, समझ रहा हूं मेरी बात, लिख के जो है छुपा लूं मैं कॉपी में, हाँ अरे वो कॉपी बचपन से लिख, कभी भरोसा आराम से क्लास, समझ गया अभी बात। इस समस को कहते हैं हम लोग हिंदी में जल डमरू मध्य, ठीक है, और कॉमन वर्ड जो आप सीखते हो ओशियन सुनते हो, ओशियन मतलब महासागर, सी सुनते हो मतलब सागर, ठीक है, बे सुनते हो, ठीक है, गल्फ सुनते हो, सुनते हो बहुत सारे वर्ड जो कॉमन आपको हमेशा जॉब में आते रहते हैं, कई बार क्लियर नहीं होते हैं, किस तरह से इनसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम जरा अगले 10-15 मिनट समझ पाते हैं, ठीक है। अगली बात समझ, अब ये देखो क्वेश्चन आ गया, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू नो स्ट्रेट्स एंड समस, प्रभु मेरे थोड़ी देर रुको मैं पढ़ाऊंगा यहां से शुरू करूंगा, आप ही लोगों के लिखा है, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर शांत आराम से जरा बैठ जाओ, उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान ध्यान से सुनो यार, मतलब इतना टाइप करने में कहां तक जा रहा है, टाइम देखो ना, ये आप लोग के लिए कि हाँ ये सब मैं बताऊंगा, बे गल्फ सब बताने वाला हूं, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ बस, यू नो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू नो, तो यू नो में क्या है, यू नो में यू नो हो जाएगा, बस बराबर हो जाएगा, हां तो अब शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट की कहानी, महाद्वीप। अच्छा एक चीज देखो, कॉन्टिनेंट एक छोटा भाई होता है आइलैंड्स, आइलैंड वर्ड कहां सुना आपने बचपन में, सुना होगा ना अंडमान निकोबार आइलैंड, ये देखो ये अंडमान निकोबार आइलैंड सुना होगा आप लोगों ने बचपन से, सुनते आ रहा मतलब, हां जी सुना तो है, और आधा जीवन तो इसमें कष्ट में था कि इधर वाला बंगाल होता है कि अरेबियन सी होता है ना, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, इधर देखो आइलैंड क्या पढ़ते हो आप, आइलैंड मतलब अच्छा वैसे पूरे लैंड मास पे, यहाँ पर देखो इस पृथ्वी पे दो चीजें हैं, एक तो वाटर बॉडी है ना, और एक हमारा क्या है लैंड मास है, ओके लैंड मास मतलब पूरा जमीन वाला भाग, जमीन जिस पर अपने चरण पादुका रखी जाती है, हाँ दैट इज लैंड मास, और एक वाटर बॉडी, तो चीजें हैं, बाकी एयर तो हर जगह फ्री मिलती है, तो कहने का मतलब यह कि लैंड मास एक छोटा सा स्थलमंडल, लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों ओर जल से लगी हो, लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल साइड, चारों ओर जल से लगी, उसको क्या बोलते हैं आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप द्वीप बोलते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं कहते हो, चारों ओर वाटर से लगा हुआ है, छोटा सा लैंड मास है, ठीक है, कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, कोई एरिया का फिक्स साइज नहीं है, नॉर्मली आप कह सकते हो हाँ, तीन चार क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा आइलैंड जैसे बनते हैं ना, अरे उत्कर्ष यादव नहीं लिखना है, ये समझने वाली बात है, सिंपल क्या होता है ये आइलैंड सबने, तो ये पानी से लगा है चारों ओर, इसको क्या बोलो आइलैंड बोलो, ये तो समझना है आपने, आई बात समझ में, नॉर्मली लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, जैसे बहुत सारे रीजन देख सकते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड मैप में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर ये छोटे छोटे आइलैंड दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे भी वर्ल्ड मैप में हम लोग पढ़ेंगे, आज यहीं फॉकलैंड आइलैंड पढ़ा था, ये गैलापागोस आइलैंड पढ़ा था, ठीक है, ईस्टर आइलैंड पढ़ा था, दोपहर याद होगा, तो वो क्या था, वो आइलैंड जनरली चारों ओर से क्या थे, कनेक्टेड विद वाटर बॉडीज, क्लियर होगा, इसलिए कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट इतना है कि कंपैरेटिवली स्मॉलर लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, अच्छा इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग हिंदी में, द्वीप बोल रहे हैं, इसमें वर्ड लगा देता हूं मैं, इधर ध्यान दो इसमें वर्ड लगा देता हूं मैं, महा, महा मींस क्या होता है, अरे टापू मतलब वही होता है ना, आइलैंड टापू क्या होते हैं, टापू आइलैंड होते हैं, महा मतलब क्या होता है, द्वीप में आगे वर्ड लगा देना, सिंपल, अब आपका लैंड मास है छोटा नहीं है सर, काफी बड़ा है, इसको क्या छोटा लैंड मास बोलोगे, साउथ अमेरिका छोटा लैंड मास बोलोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या ये छोटा लैंड मास है, कदापि नहीं, ये छोटा लैंड मास है, नहीं ये छोटा लैंड नहीं, लार्ज लैंड मास जिसके लगभग हर जगह वाटर बॉडी दिखाई देगी, क्लियर बड़ी बात, तो आइलैंड से कंपेरेटिवली बड़े होते हैं, लेकिन ये भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्रीनलैंड आइलैंड है बट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, समझ बात, पर उसमें एक डिफरेंस है, जनरली सीजन भी बदलने चाहिए, यहाँ कोई सीजन चेंज नहीं हो पाता है, तो नहीं हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कोई जनरली आगे हम देखेंगे ना, तो हम देखेंगे सीजन चेंज नहीं हो पाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा जहाँ समर दिखाई देगा, यहाँ प्रॉपर विंटर दिखाई देगा, तो हर कॉन्टिनेंट को मेजर हैबिटेट वाले कॉन्टिनेंट है, वहाँ प्रॉपर सीजन दिखाई देते हैं, तो जब भी मैं बोले व्हाट इज कॉन्टिनेंट, आपको एक बात समझनी है, अ लार्ज लैंड मास, सुनो ध्यान से, कॉन्टिनेंट जब भी बोले आपको बुद्धि में लेना, एक बहुत बड़ा लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, प्रॉपर सीजन दिखाई दे आपको वहाँ पर, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका इसका भी एक्सेप्शन है, तो कुछ हर जगह हर पॉइंट में एक्सेप्शन जरूर मिलेगा, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे आप नॉलेज आपका मैच्योर होता चला जाएगा जियोग्राफी में, ये बात आप समझ जाओगे कि इनको हमें मजबूर कॉन्टिनेंट क्यों करना पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वगैरह पढ़ोगे तब सब क्लियर हो जाएगा, बट अभी बेसिक लेवल पे इतना समझना है कि बहुत बड़े लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े लैंडमार्क्स हैं, इनको हमने कॉन्टिनेंट वर्ड लिया, कौन सा वर्ड लिया हमने, कॉन्टिनेंट, इनको आइलैंड नहीं बोला, इनको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोला, ठीक है, ठीक है, ये तो द्वीप वगैरह मान लो, अच्छा कितने कॉन्टिनेंट बताया मैंने, दिन में दोपहर में बताया आपको, याद होगा बचपन से पढ़ा, सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं, सेवन मतलब ये पता होना चाहिए अपना बचपन से पढ़ा अपना, ये अपना एशिया, ठीक है, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इसके साउथ में आ गया अंटार्कटिका हो गया, और ये अफ्रीका हो गया, चार ए तो यही हो गया आपके, एशिया ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अफ्रीका,
ध्यान रहेगा बुद्धि में, रटना नहीं लिखना नहीं है इसको, आंखें बंद करके समझ लो कि एशिया ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अफ्रीका, एशिया ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अफ्रीका, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे पैटर्न, हां जी, काम आएगा ये बोल, ये हो गया आपका यूरोप, यूरोप ये अमेरिका का नॉर्थ वाला, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका की कहानी, पिक्चर यहीं रुकनी जाती है, आगे पढ़ना है आपको, अभी तो आपने ये सीख लिया दिस इज एशिया, एशिया के नीचे, एशिया के नीचे शिवम भैया रुक जाओ, सब पढ़ाऊंगा मैं, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अफ्रीका यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो पढ़ाऊंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, चलो एरिया वाइज जमा सकते हैं उनको, सबसे बड़ा सबसे छोटा, बिल्कुल। अब ये काम कीजिए, इसको लगे नहीं आता हो लिखना चाहें लिख सकते हैं, कहीं सबसे बड़ा किसका है, एशिया का है, एशिया के बाद किसका नंबर आएगा, अब आधे जो है 100 में से 90 लोग साफ हो जाएंगे अफ्रीका में, अब थोड़े बहुत बचेंगे वो धीरे धीरे ये होते जाएंगे नॉर्थ अमेरिका, फिर क्या आएगा साउथ, और यहाँ तो आधे से ज्यादा साफ हो जाएंगे, क्यों, साउथ अमेरिका के बाद किसका नंबर आएगा, आधे यूरोप, आधे ऑस्ट्रेलिया, आधे ये वो हो जाएगा। प्लीज याद रखेंगे सब लोग, अपनी मिस्टेक होती है यहाँ पे, गलतियों को दोहराए नहीं, अंटार्कटिका फिफ्थ नंबर का कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका लिख लो, जिसको नहीं समझ में आता लिख लो, और फिर आएगा आपका यूरोप, और आखिरी में जो आएगा वो कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, पिक्चर समझ आएगी, नहीं गलती कहाँ पर आएगी आपकी, यूरोप और अंटार्कटिका के बीच में, जनरली हम किसको आगे रख लेते हैं, यूरोप को आगे ले जाते हैं, ठीक है, नहीं ले जाना, वहीं रोक दो, अंटार्कटिका को एरिया वाइज पहले आगे रखो यूरोप। क्वेश्चन क्वेश्चन मालूम है आपको यूपीएससी, अरे सर ऐसे कोई पूछता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ यदि इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ लिया ना तो भी थोड़ी देर के लिए गंभीर हो सकते हैं आप, बिल्कुल। असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग में सबसे पहले कौन आएगा, असेंडिंग में, असेंडिंग में सबसे पहले कौन आएगा, बिल्कुल सबसे पहले असेंडिंग बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटू, छोटू से बड़े, समझ रहा हूँ ना, तो पहले ऑस्ट्रेलिया, डिसेंडिंग एशिया से शुरू होगा क्योंकि सबसे पहले बड़ा होगा, बेसिक चीज़ें लेकिन कभी कभी घूम जाती होती नहीं समझ में आता, जैसे मान लो एग्जाम में अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ए बी सी और डी लिख दिया साउथ अमेरिका, और बोल दिया इनको जमाओ असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे सबसे पहले कौन आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे तो सबसे पहले कौन आएगा, यूरोप आएगा, और डिसेंडिंग में सबसे पहले कौन आएगा, एक चीज समझ में आ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो क्वेश्चन नॉर्मली बन सकता है, यूपीएससी यही तो पता है, यही पैटर्न है क्वेश्चन, चलो ये तो बात हो गई, अब यहाँ का बेसिक नॉलेज मालूम होता है, अब नाउ वी स्टार्ट विद पॉपुलेशन, क्या करोगे पॉपुलेशन में, कोई शक नहीं है सर इसमें, एम आई राइट, एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया, ये तो बात थी अपने एरिया वाइज, पॉपुलेशन में किसका नंबर आएगा, सबसे पहले एशिया का आएगा, सबसे पहले जो आना है वो किसका आएगा, एशिया का, पहले एशिया आ गया आपका, दूसरा किसका नंबर आएगा, दूसरा आएगा आपका अफ्रीका का, तीसरा किसका आएगा, जल्दी तीसरा यूरोप का आएगा, ये देखो बदलाव चेंज देखा कि नहीं, यूरोप का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, फोर्थ आएगा नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ आएगा साउथ अमेरिका, सिक्स्थ आएगा ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ आएगा क्या, अंटार्कटिका, लिस्ट बना देता हूँ अलग से, पहले एशिया, एशिया के बाद में जल्दी बताओ, एशिया के बाद में अफ्रीका, यूरोप, और यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, डन, समझ में आ गई बात यहाँ तक, भूलोगे तो नहीं, इसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर लोगे, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, देखो हमें मालूम था कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट, पर हो सकता है इतने बेसिक कम नहीं गए, इन पर ध्यान देना, ये बहुत छोटी छोटी पर नहीं बनते कुछ, एग्जाम में जैसे आ गए ना तो फिर बिल्कुल कठिनाई से गुजरना पड़ जाता है, तो ये तो बन हो गया अपना, देखो ये बन हो गया, ठीक है, ये 2.2 हो गया, मतलब पॉपुलेशन में भी आ गया और एरिया में भी आ गया, और ये क्या हो गया, कौन बताएगा मुझे, 6.3 हो गया, समझ लो 6.3 समझते हो, देख लेना मैं पूरा बताऊँ, डोंट वरी, इसमें क्या करोगे, 3.4, 4.5 अभी बता दूंगा मैं सब क्या है, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन ना लो, और ऑस्ट्रेलिया क्या करोगे, सबसे छोटा है लेकिन पॉपुलेशन में सेकंड में आ जाएगा, इधर इधर एरिया वाइज फिफ्थ नंबर आएगा और पॉपुलेशन सबसे छोटा आ जाएगा, डन, समझ में आया क्या लिखा मैंने, कोडिंग समझ में आई कि नहीं आई, ये सब आपकी और मेरी की बात है, आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या चल रहा है, नहीं समझ में आया, दिस इज एरिया, एरिया में सबसे पहली रैंक एशिया की है ना, दूसरी रैंक अफ्रीका की, तीसरी रैंक नॉर्थ अमेरिका की, चौथी रैंक साउथ अमेरिका की, पांचवी रैंक अंटार्कटिका की, छठवीं रैंक कहाँ की है, यूरोप की, और सेवंथ ऑस्ट्रेलिया, अब समझ में आ गया, वो अच्छा ऐसा था क्या, ऐसे था, हाँ और बचा हुआ जो अपना, हो गया ठीक, आइलैंड कॉन्टिनेंट में कोई समस्या, ये हुई बात, ठीक है, आइलैंड आइलैंड कैसे बनते हैं वो तो देखेंगे, बट सिंपल वर्ड्स को समझ रहे हैं, कितना लगे आगे जॉग्राफी में, तीसरी चीज सर इनके कमेंट्स रोको, कमेंट को कैसे रोको मैं, आने दो ना कमेंट, थोड़ा ध्यान दो, देखो क्या होता है ना, कलेक्टर भी बनोगे ना तो आसपास के मजदूर सब परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसमें से आपको आगे जाना, समझ रहा हूँ, तो ध्यान दो आप अपनी प्रैक्टिस करो, कंसंट्रेशन, लेकिन मैं कहाँ किसको रोकाऊँ, यहाँ हाइड हाइड नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो सब जगह आता है करना पड़ेगा, मुझे मालूम है पर मुझे नहीं मिल पाता, पता नहीं है, ठीक है आगे चलते हैं, तो टेंशन में देखो सकता हूँ, सुनती बात ऐसे ही सब तो सुन रहे हैं, सब सुनेंगे बिल्कुल, पर ध्यान दो पहले, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे ध्यान सुनो, आइलैंड कॉन्टिनेंट का तीसरा वर्ड पढ़ेंगे हम लोग, पेनिनसुला, पेनिनसुला तो सुना ही होगा आपने, हाँ इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर जीवन इतना कठिनाई से गुजरा कि पता नहीं चला एनसीईआरटी में पेनिनसुला पढ़ क्या था, क्योंकि मुझे उस समय ऐसा लगता था कि टॉपिक ऑफ कैंसर में जाने से कैंसर हो जाता है, इसलिए नाम कैंसर रखा, नहीं नहीं बहुत सारी रीजन है, इसका रीजन है, कैसे इधर देखो जानते हैं, पेनिनसुला वो रीजन होते हैं, एक ऐसा स्थल हिंदी मीडियम प्रायद्वीप कहते हैं, प्रभु सबको प्रायद्वीप, एक ऐसा लैंडमार्क जो कि तीन साइड से वाटर बॉडी से गिराओ, तीन और जल से लगा, उसको पेनिनसुला कहते हैं प्रायद्वीप, वर्ल्ड मैप में बहुत सारे पेनिनसुला पड़ोगे, अटाकामा पाओ, कामचटका पेनिनसुला, उंगावा पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला, तो सब में ही होगा ऐसे ट्रायंगुलर, अगली बात समझ, चलो यहाँ तक क्वेश्चन, अरे 2021 के लिए बिल्कुल शुरू करो, अभी से शुरू करो, 2021 में पृथ्वी नहीं बदलेगी, सेम तब भी पेनिनसुला वही होंगे, आज भी वही होंगे, पढ़ो बस, हाँ उसमें यहाँ कितना कि 2021 लिखा कि नहीं, अर्थ चेंज नहीं हो जाएगी सर, चिंता ना करो, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, तो ध्यान से सुनिएगा, पेनिनसुला समझ में आ गया, लैंडमार्क विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड, एक ऐसा स्थल मंडल जो तीन और जल से लगा, उसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेट्स, स्ट्रेट जिसको हम कहते हैं जल संधि, सुनना मेरी बात ध्यान से ना, अब भैया ये स्ट्रेट क्या होता है, इसको देख लो, जैसे मान लो बचपन से पढ़ते आओ इंडिया और श्रीलंका दोनों लैंडमार्क हैं, बोलो हाँ, दोनों जलमंडल स्थलमंडल है, लैंडमार्क है, दुनिया में जब भी ऐसे दो लैंडमार्क अलग होते हुए दिखाई दे रहा हूँ, तो फिर जब खाली जगह रहेगा बीच में, मतलब खाली होल दिखेगा, कोर दिखेगा पृथ्वी के अंदर तक,
नहीं ना, इसके बीच में कौन होगा, इसमें कौन होगा, इसके बीच में क्या फिलअप रहेगा, वाटर फिलअप रहेगा, वाटर वाटर रहेगा, पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ जी बस वही है, सुनो ध्यान से, कह रहा हूँ स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होती है, स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लैंडमास को अलग करती है, दो स्थलमंडल को अलग करती है, समझ में आ रही बात, दो जगह का वाटर कनेक्ट हो जाता है और लैंडमास सेपरेट हो जाता है। पिक्चर क्लियर, जैसे ये देख लो, इधर देखो, इधर देखो, सब सब लोग इधर देखो, ये एक लैंडमास ये हो गया और दूसरा ये हो गया, अलग हो गया ना दोनों, कर रहे हैं एक दूसरे से, नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हो गए और वाटर जो है कनेक्ट हो गया, ये जो कनेक्टेड वाटर है ये वाला पानी जो है यहाँ पर, इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जल संधि, यहाँ पे गलती और ऊपर गलती संधि हो गई, ठीक है, ये स्ट्रेट है। जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया और इसके बीच में दिखाई दे, तो हम स्ट्रेट और बहुत सारी पानी बड़ी नदी में, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, बस बढ़ते हैं। अच्छा कभी ऐसा हो सकता है कि इधर देखो यहाँ से ये लैंडमास है L1 L2, दो लैंडमास कनेक्ट हो गए और अलग किसको कर दिया, अलग किसको कर दिया, वाटर को अलग कर दिया, पानी अलग हो गया, पहले पानी जोड़ रहा था, एक डायग्राम कैसा, एक डायग्राम ऐसा, इधर देखो समझ में आ रहा है, दोनों डायग्राम में डिफरेंस, एक में वाटर बॉडी डिवाइड हो रही है, एक में लैंड मास डिवाइड हो रहा है, क्लियर हुई बात। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ये जो है जब लैंड मासेस कनेक्ट हो जाते हैं इसको हम इस्थमस कहते हैं, इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं, ठीक है, जल डमरू मत, डमरू की तरह दिखाई दे रहा है, लैंड मास कनेक्ट हो गए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देता हूं, पनामा इस्थमस, ये पूरा कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड होने से क्या हुआ, इस कनेक्शन से हुआ कि दो पूरी वाटर बॉडी अलग हो गई, ओशन अलग हो गया, आपके देखो ना अटलांटिक अलग हो गया और पैसिफिक अलग हो गया, सेपरेट हो गया, एक ही नहीं बहुत सारे देखें। तो कहने का मतलब क्या है, सुनना, आंसर देना प्लीज सब लोग, जब वाटर बॉडी अलग होगी तो क्या लिखोगे, जब वाटर बॉडी अलग होगी तब क्या लिखोगे, जब वाटर बॉडी अलग आई दिखाए ना, क्या लिखो, इस्थमस, और जब वाटर बॉडी कनेक्ट होगी, लैंड मास सेपरेट होगी, तब क्या होगा, तब जो होगा होगा स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस्थमस होगा कि स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक, डन, इस्थमस रिपीट कर दो सर, कंसंट्रेशन बढ़ा लो, मेरी क्लास में बढ़िया फायदा होगा, बॉडी डब्ल्यू, हां ये तो बहुत परेशानी होगी यदि कंसंट्रेशन लेवल कम कर लिया तो, सुना सबने मैं क्या बोल रहा हूं, अरे भगवान, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में स्ट्रेट नहीं मिलेगी, मैंने क्या बोला है, नैरो नैरो वाटर बॉडी चाहिए, बहुत बड़ी है तो सागर बन गया इसके बीच, नैरो नैरो, हाँ, तो इस्थमस मतलब जब एक लैंड मास, एक जमीन का भाग वाटर बॉडी को सेपरेट कर दे, मिलने ना दे पानी, और जब लैंड मास को ना मिलने दे तो वो स्ट्रेट, और जब वाटर बॉडी को ना मिलने दे वो इस्थमस, ठीक है, आगे बात समझ में, चलो अब यहाँ ध्यान देना, ये दो वर्ड सीख लिए, अब वाटर बॉडी में आते हैं, वाटर बॉडी में जो वर्ड पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, एक ओशन पढ़ते हैं, ठीक है, और क्या पढ़ते हो, ईस्ट पढ़ते हो, बे पढ़ते हो, और गल पढ़ते हो, क्यों भैया क्या जरूरत पड़ गई, एक ही पढ़ते, पानी चारों में तो पानी है, है तो वाटर ही ना, इनके बीच में आप देखोगे तो आपको वाटर ही दिखाई देगा, है ना, समझो बात, बट डिफरेंस तो है सर, एग्जांपल अब इस्थमस, अरे प्रभु कंसंट्रेशन, ध्यान ध्यान दो, अभी बताया मैंने, पनामा, पनामा इस्थमस, क्या इस्थमस देख लेना, वर्ल्ड मैपिंग और पढ़ा दो, हाँ नहीं वो कैनाल है, वो आर्टिफिशियल बनाई गई है, स्ट्रेट्स नेचुरल होते हैं, ठीक है, तो इधर देखो आप ध्यान से, पानी जो है होता है, तो मैं आपसे पूछूं कि ओशन, सी, बे, गल्फ में क्या डिफरेंस है, तो फिर प्लेन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, यू नो सर, ओशंस बड़े होते हैं, सीज छोटे होते हैं, अलग अलग रुक भी नहीं, यू नो अलग चश्मा लगा के खड़े हो, यू नो ओशन बड़े होते हैं, सीज छोटे होते हैं, बे, बे का कुछ नहीं पता, गल्फ देख लो आप समझ लो, तो ये वो है, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, पिक्चर चल क्या रही है, सबसे पहले तो नो डाउट आपको सब सही भी कह रहे थे कि वाटर बॉडी कंपेरेटिवली लार्ज होती है इसकी ओशन की, बट हम देखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि मैं एशिया की बात करूं, ध्यान से सुनना, क्यों बोल रहे हो आप लोग, वो तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं होना, वो भी आओगे कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ना पड़ेगा, नॉट एट ऑल सर, समझा करो आप, बस इधर ध्यान दो, तो ये है अपना एशिया, ठीक है, और ये है अपना ऑस्ट्रेलिया, तो ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया जो है इससे कनेक्टेड एक वाटर बॉडी है सर, कौन सी वाटर बॉडी है, क्या दिखा, पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, हिंदी मीडियम, और पता है क्यों हो रहा है, यहां से जब आप तैरते तैरते निकले इधर आ गए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, और इधर भी ओशन आपका पैसिफिक था, ये प्रूव करता है कि अर्थ में स्कैर्सिटी है, अर्थ की गुलाई है, समझ लो ना, नहीं तो इधर को दूसरी जीवन आ जाता, तो पैसिफिक ओशन प्रूव करता है यार, अच्छा ऐसा एशिया से भी कनेक्टेड है, ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्टेड है, और इधर आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है भैया, पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, और ये लगभग इसका सर्कुलर शेप है, ई शेप, ओ शेप, शेप भी कभी पूछ लो ध्यान, ठीक है, आगे बात समझ में, क्या कह रहा हूं, साउथ पोल का क्या करूं, अरे परेशान मत हो, ये कह रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं तो कहीं कहीं दूसरा आया था, है ना, आया समझ, अब ये मत कहना कि यहां से और यहां से क्यों नहीं कनेक्टेड है, ये क्यों कनेक्टेड होंगे, फुटबॉल के दो पॉइंट कनेक्टेड होते हैं, घूम के जाना पड़ेगा आपको, पूरा ऐसा थोड़ी इधर से जाओ तो आलू निकाल सोना बन जाए, टाइम लगेगा भैया, अभी पढ़ते हैं, डोंट वरी, ये दो पोल सेपरेट है, इधर से आपको जाना पड़ेगा, इधर से जाओ तो अफ्रीका मिलेगा, उधर से जाओ तो हो सकता है ये वाला हिस्सा मिले, हां चलो आगे चलते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि आप पैसिफिक ओशन समझ गए, पैसिफिक ओशन प्लीज ध्यान से सुन लेना, देख लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं थोड़ी देर के बाद, हां जी बिल्कुल, और इंडिविजुअली नेम लेके पूछूंगा मैं, बताओ इसका संबंध किससे है, तो पैसिफिक का संबंध चार कॉन्टिनेंट्स हैं, एम आई राइट, समझ में आई बात, नाउ सेकंड ओशन, अटलांटिक, 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 अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में ये देखो कौन सा शेप बना रहा है, एस शेप, ये एस शेप क्यों बन गया, वो देखेंगे, लेकिन अभी दिख रहा है वही पढ़ लो, एस शेप ओशन को पूछे तो आपको याद रखना होगा, एस शेप ओशन कौन सा है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, अंटार्कटिका को मत कंसीडर करना, मेनली आपको ये हैबिटेट वाले बताओ, चार आप लिख रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको नेम भी याद है, पता भी है, ये ठीक है, समझ आई बात, जो सर ठीक, आगे चलते हैं, एस शेप हो गया, नाउ एम शेप और ट्रायंगुलर शेप, इंडियन ओशियन, सनी देओल ओशियन, हां ये जो है सनी ओशियन, बिल्कुल सनी देओल ओशियन वाला, ये तो कितने कॉन्टिनेंट लगा हुआ है, एम शेप, ट्रायंगुलर शेप, यू नो
बिल्कुल एशिया से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। रटना पड़ रहा है क्या? नहीं पढ़ना चाहिए रटना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आंखें बंद करके दिख रहा है मैप? इधर दोनों साइड पैसिफिक, बीच में अटलांटिक और इधर ट्रायंगुलर एम शेप ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है ठीक है। ये आपको पता नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल के बेसिक तैयार हो रहे हैं, ये चीजें टेंशन वाली जो है वैसे क्लियर होती है। अब आप कोई स्टेटमेंट पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, सेंटेंस दिखेगा आपको कि बात कहां की कर रहा है, समझ रहे हो बात? हाँ चलो भाई ठीक है, एम शेप ये समझ गया। तीन आप सीक्वेंस पता लगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, भैया फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर इधर पर, इधर 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 यहां पर पहुंचे। सदर्न ओशन, सदर्न ओशन देखो कठिन नहीं है, नीचे जाओगे तो साउथ ही आएगा ना, दक्षिणी महासागर। इट इज कनेक्टेड विद अंटार्कटिका ओनली, अंटार्कटिका कुछ नहीं है, पहले 2005-06 के पहले तो ये ओशन ही नहीं हुआ करता। पर उन्होंने कहा कि यार ओशन आप इसको बोलते हो, ओशन वो वाटर बॉडी होती है जो कॉन्टिनेंट से बाउंड्री शेयर करती है। ओशन जो है वो कॉन्टिनेंट से बाउंड्री, मल्टीपल कॉन्टिनेंट से बाउंड्री शेयर कर रही है। व्हाट अबाउट अंटार्कटिका? इससे भी तो कोई वाटर बॉडी लगनी चाहिए कि नहीं? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है तो, इसलिए उन्होंने नाम दिया सदर्न ओशन। तो कहने के लिए पहले ऐसा कनेक्टेड ही, कुछ नहीं करना है। सदर्न ओशन की बात करें तो हाँ ठीक है, इसके साथ कनेक्ट होता है अंटार्कटिका, बस इसे ज्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन सबसे छोटा जो बचा हुआ है अब कौन सा? ये कवर करके ये कर, ये कर, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? आर्कटिक बच गया, आर्क बना दो आप ऊपर वाला कॉर्नर, नॉर्थ पोल के पास, दैट इज आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन बच गया। ठीक है चलो, यहां तक कोई समस्या किसी? ओह इधर देखो जल्दी से दीजिए फटाफट, ये ओशन कौन सा? ये वाला पैसिफिक, ठीक है। और आर्कटिक तीन कॉन्टिनेंट जाएगा, अपन देख रहे हैं ये एस कौन सा हो गया। क्लास करेक्ट 9 बजे तक है, 9 बजे पहले शुरू करना क्लास, बढ़िया से पढ़ाई करो क्लास कब तक, और हो गया अटलांटिक ट्रायंगुलर एम शेप इंडियन ओशन, और ये अपना सदर्न ओशन, और ये अपना आर्कटिक, आर्कटिक कनेक्ट विद एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक चलो क्वेश्चन पूछो, आंसर दे दोगे है ना? तो ऐसा है कि ये लिखा है मैंने एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पहला ये है। ठीक तो अरे करूंगा भैया, आज ही सब कर दूंगा, जरा रुको आंसर दो जो मैं कह रहा हूँ। अरे रुको तो क्वेश्चन तो सुन लो, पोल पोल कर रहा हूँ, पोल लाइक क्वेश्चन ही नहीं है। तो इनमें से आपको वो आंसर बताना है, ठीक है, इनमें से वो आपको आंसर बताना है जो पैसिफिक ओशियन से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, डो नॉट टच विद पैसिफिक ओशियन। मल्टीपल आंसर होंगे, कॉमा लगा के एबीसी में आंसर दें, कॉमा लगा के एबीसी में आंसर देंगे सर, कॉमा लगा के। हाँ जी क्या बोला मैंने? पैसिफिक ओशियन से किसका संबंध नहीं है, प्रशांत महासागर से संबंध किसका नहीं है? अब एशिया से टच करता है, याद है, याद बना लो ना, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया से टच करता है। यूरोप से करेगा क्या? नहीं करेगा। अफ्रीका से करेगा? नहीं करेगा। नॉर्थ साउथ ऑस्ट्रेलिया से करेगा? आंसर विल बी बी एंड सी। कहां समस्या होगी, किसका गलत होगा आंसर? गलत किसका होगा आंसर? ऑब्जर्विंग पावर ज्यादा कमजोर है ऑस्ट्रेलिया, एफ भी लिखूंगा। इधर देखो ये क्या है, ये पैसे नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया से। अरे यार आंसर दो, पोल कहां से दोगे इसमें? मैं कुछ हर चीज पोल में थोड़ी भी जाती है, पोल पोल कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे है ना, दिख रहा है कि इसमें कहां से दूंगा मैं उसमें पोल दे दू, मल्टीपल आंसर है। हाँ तो उत्कर्ष भैया मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोला कौन सा टच नहीं कर रहे हैं, तो बी टच नहीं कर रहा, सी टच नहीं कर रहा, यूरोप अफ्रीका टच कर रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लो फटाफट, आपसे नहीं हो पाएगा ऐसे लिख पाओगे, और सुनो ध्यान से, अच्छे से आंसर देना और रटे हुए मत आंसर देना, समझ सोच समझ के आंसर दो। ऑस्ट्रेलिया लिख रहा हूं मैं, और यूरोप लिख देता हूं, और नॉर्थ अमेरिका लिख देता हूँ, साउथ अमेरिका लिख देता हूँ, एशिया लिख देता हूँ, और अफ्रीका लिख देता हूँ। ठीक है अब मुझे बताओ आर्कटिक ओशियन से कौन बाउंड्री शेयर नहीं करेगा, इनमें से बताना है आर्कटिक ओशियन से कौन बाउंड्री शेयर नहीं करेगा, आर्कटिक ओशियन से कौन बाउंड्री शेयर नहीं करेगा, आर्कटिक ओशियन से कौन बाउंड्री शेयर नहीं करेगा? ऑस्ट्रेलिया टच करेगा क्या? अभी पहले देख लो आर्कटिक ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया का मालूम है ना, कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। यूरोप टच करेगा, नॉर्थ अमेरिका टच कर जाएगा, साउथ करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, साउथ यहाँ बैठा हुआ है। एशिया करेगा? हाँ जी करेगा, ऊपर से एशिया। अफ्रीका करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1.4.6 विल बी योर आंसर। नहीं अंटार्कटिका नहीं दे रहा, मैं ऑप्शन नहीं दिया मैंने, अंटार्कटिका क्यों रखेंगे हम लोग, वैसे भी नहीं करेगा, उसके लिए दे दिया ना अपने गलत से ऑप्शन, दे तो दिया अफ्रीका जी। ठीक है अब हमें बच्चे बोल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे क्या? अरे मेरे प्रभु ये बेसिक है, इनमें प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आगे की जो कठिन क्वेश्चन है वो हमें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे है ना, नॉलेज नहीं बढ़ पाएगा अपना। ठीक है तो चीजें ये बेसिक आनी चाहिए, मतलब इससे क्या फायदा हुआ, यदि मैं ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोल दिया पैसिफिक क्वेश्चन तो तुरंत सामने चार कॉन्टिनेंट, बीच में पैसिफिक ओशन, समझ रहे हो ना? ये जी ये इससे क्या होगा, इससे आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। हमने बोला तुरंत अटलांटिक ओशन, तुरंत बीच में अटलांटिक आया, इधर ये चारों सामने, बिल्कुल इससे क्या होगा, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के, तो आपको दिखेंगे चीजें मैप में, अच्छा ये सर यहां की बात कर, ये जरूरी नहीं है कि पेपर में आ जाए, बट ये हेल्प करेगा एक्चुअल कंटेंट को पढ़ने में, समझ। और हर बार अब तक हम यही मिस्टेक करते हैं कि बेसिक चीजें कवर करते नहीं हो, फिर टेंशन घबराहट। ठीक है अगली बात समझो, अरे पैसिफिक को अंटार्कटिका में परेशान हो रहा है जीवन, मैं कह रहा हूं कि अंटार्कटिका को अपने सदर्न ओशन दे दिया है, तो नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, और कराना तो करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों चल रहा है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन का और आंसर दो, कहां चला गया वो नया ऑप्शन मेरे, ये इनमें से बताना 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से अटलांटिक से कौन टच नहीं करेगा, अटलांटिक से, अटलांटिक से कौन टच नहीं करेगा, एशिया कैसे टच करेगा, अब एशिया कैसे टच करेगा क्या होता है, ये है ना एशिया, ये एशिया आर्कटिक से टच नहीं करेगा, अटलांटिक की पूछा हूं, अटलांटिक से टच नहीं करेगा, मार्किंग कर देता हूं,
अटलांटिक टच नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया से, अटलांटिक टच नहीं करेगा एशिया से, बस 1 in 5। क्यों भैया? अफ्रीका से अफ्रीका टच करेगा? क्यों नहीं करेगा अफ्रीका? ये मैपिंग कमजोर है, अभी भी मैपिंग कमजोर है, ध्यान कमजोर है आपका। आई बात समझ में? यूरोप बिल्कुल करेगा, यूरोप समझ में आई बात? ये इतना यूरोप है, ऐसे याद रखो, यूरेशिया कनेक्टेड है मतलब। चले आगे, अब वही पूछो कि नॉर्थ अमेरिका से होता है कि नहीं। प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी हैं, हाँ नरेंद्र मोदी हैं। अटलांटिक नॉर्थ अमेरिका टच करता है? हाँ करता है। चलो आगे चलते हैं। तो ये कहानी अपने को समझ में आ गई, ओशन ओशन को डाउट नहीं ना, सब समझ में आ गया। हाँ अब शुरू करते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड। हमें सी की क्यों जरूरत पड़ी, बे की जरूरत क्यों पड़ी, गल्फ की क्यों जरूरत पड़ी, सागर के बारे में समझेंगे, ठीक है? चलो निखिल भैया मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सब हो जाएगा। अभी डिफरेंस क्या है जी? अब एक चीज ऑब्जर्व करो आप लोग, इतने कि मैंने अभी ओशन पढ़ा, किसी ओशन की बात किया हमने, ओशन पढ़ा तो हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व किया कि ये रीजन जो है, सुनना मेरी बात, ये रीजन जो है ओशन जो है, ओशन जो है देखो किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, अपनी कंट्री से कॉन्टिनेंट से, कॉन्टिनेंट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ओशन मतलब सबसे बड़ा लार्ज वाटर बॉडी सिस्टम है जो सीधी अपनी सीमाएं किससे बना रहा है, कॉन्टिनेंट से बना रहा है, महाद्वीपों से टच करता है, जैसे ये अटलांटिक कॉन्टिनेंट से डायरेक्ट रिलेशन। पिक्चर समझ आ रही है? एरिया वाइज अरेंजमेंट आइए, पहला पैसिफिक ले लो, दूसरा अटलांटिक ले लो, तीसरा इंडियन ले लो, चौथा साधन ले लो, पांचवा आर्कटिक, सबसे छोटा आर्कटिक। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि कॉन्टिनेंट से जो बाउंड्री शेयर करता है, सुनिए ध्यान से, कॉन्टिनेंट से जो बाउंड्री शेयर करता है वो क्या होगा आपका? ओशन होगा। आगे बात समझ में? जी हाँ बिल्कुल, योग्यता नहीं करेगा वो, हमने जुगाड़ करके करवाया है ना, स्वेज के नाम से, ठीक है? बाकी इतना मेनली हम कॉन्टिनेंट की बात याद कर, अब सुने प्लीज ध्यान से जरा सब लोग। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि सीज की बात, जैसे ये क्या लिखा है इसमें, फिलीपींस लिखा जाएगा, देख रहे हो फिलीपींस, अच्छा वेरी गुड, बेरिंग्स लिखा जाएगा क्या? देख लो भैया लाइव, देख लो आप देवराज जी कर सकते हैं, बेरिंग दिखाई जाएगा, बेरिंग सी ऑफ पोटस दिखाई जा रहा है, दिखाई, इनमें सिमिलरिटी है, सीज का पूरे कॉन्टिनेंट से टच कर रहे हैं क्या ये, फिलीपींस पूरे कॉन्टिनेंट से बाउंड्री शेयर कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ कंट्रीज के आसपास लगा हुआ है, देशों से लगा हुआ है। देखो ना अरेबियन सी, अरेबियन सी का पूरे कॉन्टिनेंट से लगाएगा? नो, वो सिर्फ देश से लगा हुआ है। तो जब कोई वाटर बॉडी, सुनिएगा मेरी बात, अरे विशाल प्लीज समझो यार, ये डेफिनेशन के पीछे मत भागो, है ना, समझो मेरी बात, थोड़ा उस पर ध्यान दो प्लीज। इट्स रिक्वेस्ट, क्या कह रहा हूं मैं कि ओशियन शेयर्स इट्स बाउंड्री विद कॉन्टिनेंट्स, मतलब लार्ज वाटर बॉडी होगी, ठीक है? बट यदि आप सी को कंपेयर करोगे तो सी शेयर्स इट्स बाउंड्री विद कंट्रीज। इसी बात को मैं ऐसा बोलूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, बाइफर्केट कैसे करोगे? ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है, पूरा लार्ज सिस्टम है, क्या है लार्ज सिस्टम है, वो एक ओशियन है, उसमें छोटे छोटे का डिवाइडेड है, रीजन वाइज कंट्री वाइज, रीजनल पैटर्न पे क्या आ गया, सी आ गया, सिंपल। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई ओशियन, अच्छा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब भी कोई ओशियन किसी कंट्री के पास आता है तो एक सी बन जाता है, जब भी कोई ओशियन लैंड मास के करीब आने लगता है तो वो क्या बन जाता है, सी बन जाता है। आगे बस, अब फिर हम लड़ेंगे क्या जरूरत थी, पैसिफिक बोल देते, अरे पर हर कंट्री की अपनी एक मैरीटाइम बाउंड्री होती है ना, हर देश का अपना एक रीजन होता है, पानी अलग होता है, उसको एक्सप्लोर कर सकता है, उसको बार बार कॉन्टर कन्वेंशन हम लोगों ने उनको थोड़ा डिवीजन कर दिया ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर है। आगे बस समझ में, कल को चाइना फिर जो है नाचता अलग, पैसिफिक मेरा, पैसिफिक मेरा, आप पूरी कंफ्यूज रहते, पैसिफिक कौन सा कौन सा वाला, कितना वाला, ठीक है? अब ये तो क्लियर है कि घूम रहा है साउथ चाइना सी में, घूम रहा है मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों में घूम रहा है। चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गया कहानी, और सी में लगभग पैटर्न समझ आएगा कि कंट्री के पास जो वाटर बॉडीज है उसी में डिवाइडेड रहती है, रीजनल पैटर्न एक तरह से रीजनल नहीं है, ठीक है? और ओवरऑल पूरा कनेक्टेड पैटर्न देखोगे तो आफ्टर ऑल आप कहां पर घूम रहे हो, आफ्टर ऑल आप, चलो आगे चलते हैं, ये तो पिक्चर यहां तक समझ आ गई। अब आते हैं बात बे एंड गल्फ की, बे एंड गल्फ की। अब देखना मैं कुछ वर्ड कुछ चीजें बना रहा हूं, मुझे बताना कि क्या कॉमन है इसमें, ये कुछ बना रहा हूं मैं, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ, देखना वर्ड ऐसे कॉमन, कुछ कुछ भी चीज़ दिखाई दे रही है, देखो समझो, हाँ ऐसे नहीं कि मैं बैठे ऐसे ऐसे बैठे, मजा आ रहा है सर, आज तो बहुत मजा आ रहा है सर, ऐसे नहीं बैठना है, खुद देखना ऑब्जर्व करना है। हाँ शेप, शेप दिखाई दे रहा है वाटर बॉडी का, कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा एनक्लोज शेप दिखाई दे रहा है, एनक्लोज मतलब समझ रहा हूँ, बिल्कुल घिरा हुआ, जमीन से घिरा हुआ एनक्लोज से, और एक बाहर निकलने का आउटलेट है बस। आई बात समझ में? हिंदी मीडियम इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी, क्या बोलते हैं हम लोग, खाड़ी बोलते हैं, खाड़ी, ठीक है? इसी को हम लोग बे या गल्फ के नाम से जानते हैं, बे या गल्फ के नाम से जानते हैं। बट सुनो ध्यान से, एरिया वाइज के कंपैरिजन में गल्फ थोड़े बड़े होते हैं, गल्फ थोड़े बड़े होते हैं बे से, समझ में आई बात? क्या बोला मैंने, हिंदी मीडियम से ही पढ़ता, खाली कोई अंतर है नहीं कुछ भी, फिर भी लड़ाई करते रहते हैं तो ऐसा लगे, तो फिर भी बता देता हूँ कि गल्फ कंपेरेटिवली थोड़े से बड़े रहते हैं, समझ में आई बात, साइज में, ठीक है? ये हुई बात। फिर बोलते हैं ना सर वो गल्फ कंट्रीज का कहता है, यहाँ एक तो यह पर्शियन गल्फ छोटा सा ऐसे सी शेप है, इससे लगे हुए देश ना वो गल्फ कंट्रीज है, समझ में आई बात? एक बार फिर से बता देता हूँ, कलेक्टर बनना एक बार होगा, एक बार फिर बताता हूँ, आप ध्यान से सुन लो सब लोग। क्या बोला मैंने, ऐसे ऐसे जो सी शेप होता है एनक्लोज वाला, होता है चारों ओर तीनों ओर जो स्थलमंडल से घिरा हो, है ना, लैंड मास से बिल्कुल कनेक्टेड हो, एक आउटलेट हो बस, उसको हम बे गल्फ कहते हैं। आई बात समझ में? और गल्फ का आकार कंपेरेटिवली बड़ा होता है बे से, अब ठीक है, समझ आ रही बात? अब बे ऑफ बंगाल बन गया ये, और डीप में जाऊंगी मैं, अन्य से जाना नहीं चाहिए, फिर बता दूँ जितने भी डेल्टा या फ्लड्स वाले जो रीजन होते हैं वो ज्यादातर उसको हम बे बोलने लगते हैं, है ना, समझ रहे हो? जैसे अपने यहाँ जैसे पूरे डेल्टा वगैरह के क्षेत्र है ना, डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स वाले रीजन है, तो फिर बे कहना है, ओपनिंग कंपेरेटिवली ऐसा बोलते हैं हम लोग, ऐसा बोला जाता है कि कंपेरेटिवली बे के ज्यादा ओपनिंग होती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, एक्सेप्शन है उसके भी, जैसे ये गल्फ है, गल्फ की ओपनिंग कंपेयर पर साइज के अकॉर्डिंग इसको हमें गल्फ बोलना पड़ा, बहुत बड़ा साइज है इसका,
सिंपल है, बे और गल्फ दोनों सेम चीज होती है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, साइज का अंतर है, बाकी सिमिलरिटी है कि वो एनक्लोज्ड विद लैंड मास होती है, ठीक है, एक आउटलेट के साथ इरोडेड होती है, बहुत हैवी इरोडेड होती है, पानी जो है बार बार इसको इरोड करता था, हालांकि मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं, हम लोग क्वेश्चन उसमें सी वेव्स में जब पढ़ेंगे ना लैंड फॉर्म्स में समझा दूंगा कैसे बनते। लगून देयर इज वन साइड ओपनिंग, अरे लगून नौबत खान वो लगून एक नॉर्मल लेक की तरह बात कर रहा है, एनक्लोज्ड कह रहे हैं हम लोग, एनक्लोज्ड समझ रहे हो ना, लगून में आउटलेट बहुत छोटा सा होता है, दूसरी बात शेप इसका सर्कुलर शेप ऐसा होना चाहिए, सी जैसे एस कैन सी सेपरेटेड फ्रॉम ओशन, देन हाउ इज सी, देखो दो तीन चीजें हैं उस समय जब स्टार्टिंग की बात करें, आज इसको लेक इसलिए लेक भी बोल देते हैं, स्टार्टिंग में जब अरब जो थे, अरब ने जब इनको एक्सप्लोर किया था तो कोई बाउंड्री नहीं दिख रही थी, बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी, इसलिए उसी बोल दिया हूं, कुछ भी देख सकते हो अरेबियन सी में, आप एनक्लोजर देख, कहां दिख रहा है आपको ये कोई एनक्लोजर ऐसे है, मैं क्या बोल रहा हूं सी शेप बोला मैंने, चलो बाकी आपके डाउट जो है ना सब सॉल्व हो जाएंगे समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, डोंट वरी, चिंता नहीं करो, ये लैंड मास है, ये इस तरह दिखा इसलिए डेफिनेटली बोला, अब आगे चलते हैं हम लोग, तो बे गल्फ जब भी वर्ड है मतलब वहां कुछ ऐसी वाटर बॉडी होगी, सीरियस समझ लो, मतलब एक आउटलेट होगा लगभग और चारों ओर लैंड मास से लगा होगा, देन इतना समझ में आया, और साइज के मामले में कौन बड़ा रहेगा, गल्फ बड़े होते हैं, मतलब ये लार्ज एनक्लोजर होगा, काफी बड़ा जो क्षेत्र होगा वहां पर गल्फ रहेगा, इतना याद रखना, और कभी बोले कि डेल्टा फ्लड्स ज्यादातर बड़े बड़े जो फ्लड रीजन हैं, मल्टीपल डेल्टास वो आपको किसे मिलेंगे, वो बे में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा समय हमें जरूर लगा है, लेकिन ये वर्ड हमेशा परेशान करते हैं हमें, एक कॉन्टिनेंट, एक आइलैंड, एक पेनिनसुला, एक स्ट्रेट, एक इस्थमस, ठीक है, ओशियन, सी, बे, गल्फ, उम्मीद कर रहा हूं बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है, आगे बात समझ में, बिल्कुल नहीं बिल्कुल बन जाते हैं, मल्टीपल डेल्टास की बात कर रहा हूं अनंत सिंह में, अब आगे चलते हैं हम लोग, अब ये तो कहानी बेसिक लेवल की, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये पढ़ा था फ्रांस को ध्यान देना थोड़ा सा, सर मेडिटेरेनियन सी भी एनक्लोज है, यार नहीं पता है अभी हमने को, मेडिटेरेनियन सी बहुत बुरे हाल है मेडिटेरेनियन, ये देखो ये क्या एनक्लोज कराओगे, इसका साइज देख रहा है, शेप देख रहा है, कहीं ना कहीं मतलब या तो इस मूड में बैठे हो कि सबको गलत ठहराना है, समझ में आई बात, इस मूड में बैठे हो तो बात अलग है, मैं आ जाता हूं, अभी आ जाता हूं, क्योंकि मैं उतना समय मिलेगा मुझे पढ़ाने के लिए, ठीक है, जब मैं कह रहा हूं चीजें क्लियर दिख रही है उस पर प्लीज थोड़ा ध्यान दें, क्लैरिटी की तरफ आप जा रहे हैं, ये बेगल नहीं, इसमें भी छोटा जेम्स दे बना हुआ, ये गलत बना हुआ, बिल्कुल, और दूसरी बात अब ये मत समझना कि बे ऑफ बंगाल से मैं दुनिया के हर रीजन को काउंट करूं और उसका एक मेजरमेंट टेप लेकर हर जगह का काउंटिंग करने जाऊं, ऐसा नहीं है, उस पर्टिकुलर रीजन की लैंड मास टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग एरिया की बात हो रही है, इसको दुनिया से कंपेयर मत करना, सब क्षेत्र के अलग, छोटा सा गल्फ भी हो सकता है, छोटा सा बे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वहां की टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स पे, आगे बात समझ में, यहां पे है बहुत सारे जनरली आप देखोगे तो अरेबियन सी आपको देखने को मिल रहा है, की बात नहीं है, ये सी की बात, यहां की बात, उसके बाद बे ऑफ बंगाल आ गया, ये लैंड मास ऐसा होने के कारण इसको बे बोलने लगे, चलो आगे चलते हैं हम लोग, अब ये सब होने के बाद ये पूरा बेसिक पैटर्न कवर करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा मैं शेप ऑफ द अर्थ का, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अब शेप ऑफ द अर्थ की हम लोग बात करें, ये बढ़िया कमेंट आया है, क्या लिख रहा है, सीरियसली सर सारा ऊपर से गया, बहुत बढ़िया गौरव, ये हुई बात, समझ में नहीं आया कहां से नहीं आया, और मुझे कल बताना था आपको, है ना, जब नहीं आता तो तुरंत बताया करेंगे, सर ये समझ में नहीं आ रही, ऊपर से चला गया, ऊपर ही कोई बड़ा पाएगा आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब बात है शेप ऑफ द अर्थ की, तो क्लास सिक्स की एनसीईआरटी में जब आप जाते हैं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है, शेप ऑफ द अर्थ की जब भी बात करते हैं तो एक वर्ड निकाल के लाते हैं लोग, कौन सा जियोइड, ठीक है, जियोइड वर्ड लेकर आते हैं, जियोइड की बड़ी अलग अलग जो है बातें हैं, चर्चा है, ये जियोइड कहां से आ गया, क्या गया, एक्चुअल में बोलते हैं ऐसा कि है कि जो अपना अर्थ का जो सरफेस एक्चुअल में है, पहले जो लड़ाइयां हुई वो क्या हुई कि स्फीयर है, अर्थ का जो शेप है वो क्या है, एक स्फीयर है, लेकिन बाद में क्या चीजें पता लगी, ये बड़े होते हैं दिमाग, बाद में क्या पता लगा हमें कि यार ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ठीक है, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था और ये वेस्ट था, और जब मैं फाइनल डायमीटर लेने गया, व्यास लेने गया पृथ्वी का, मैंने डायमीटर काउंट किया तो ईस्ट से वेस्ट वाला डायमीटर लगभग 12756 किलोमीटर दिखा गया, ठीक है, 12756 दिखा गया, और नॉर्थ से साउथ का डायमीटर लगभग दिखा गया 12714 किलोमीटर, ये रखने वाली बात नहीं है, पर एक एग्जांपल एक फैक्ट दे रहा हूं कि भैया यदि अर्थ स्फीयर होती तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती सर, दोनों वैल्यूज क्या होती, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम हो जाती, तो एक बात तो ये है कि डायमीटर के बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि अर्थ का शेप स्फीयर है, ठीक है, डन, समझ में आएगा, इसका मतलब यह है कि यदि ईस्ट से वेस्ट यदि ज्यादा है, मतलब ये हिस्सा ज्यादा चौड़ा हो गया, ये हिस्सा ज्यादा चौड़ा हो गया, मतलब ये अर्थ कुछ इस तरह का शेप है, मतलब ईस्ट से वेस्ट इक्वेटर वाली जो लाइन होती है हमारी, इक्वेटर वाली लाइन भूमध्य रेखा, पढ़ेंगे इसको कि कहां से आया, क्या आया, इक्वेटोरियल रीजन इसको कहते हैं, ये वो है, इक्वेटोरियल वाला रीजन कंपैरेटिवली काफी ज्यादा क्या है, ठीक है, ब्रॉड है, और ये वाले रीजन जनरली पोल वाले बिल्कुल सपाट चपटे फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर हुई बात, तो कहने का मतलब है ये स्फीयर है क्या सर, फाइनली आप हम लोग देखेंगे, बिल्कुल भी स्फीयर नहीं है, चलो तो हिंदी में इसको बोलने लगे कि यार ये तो क्या है, चपटा है, चपटा समझते हो ना, चपटा समझते हो, मतलब बल्जिंग नेचर, बल्ज तो इसलिए एक वर्ड निकाला इन्होंने बल्जिंग के लिए, ऑपलेट स्फेरॉइड, स्फीयर तो है, ठीक है, स्फीयर तो है बट ऑपलेशन है उसमें थोड़ा सा, ऑपलेट मतलब समझ रहा हूं ना, ये पिसका हुआ है चपटा बन, बल्ज नेचर का, ऑपलेट स्फेरॉइड, ठीक है, ये नाम दिया गया, बट मॉडर्न ज्योग्राफर्स ने क्या कहा, यार भैया ऐसे तो परेशान रहोगे आप, एक काम करते हैं, जैसे दुनिया में ये शेप एग्जिस्ट करता है, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, एम आई राइट, ये क्या है, स्क्वायर है, ये एक सर्कल है, तो क्यों ना दुनिया में ऐसा कोई शेप एग्जिस्ट करे, और इस शेप को मैं, इस वाला जो शेप बना रहे हो आप, ये जो शेप है, इस शेप को मैं जियोइड बोल दूं, जैसे ये सर्कल होता है, जैसे ये स्क्वायर होता है, जैसे ये रेक्टेंगल होता है, वैसे जियोइड भी हो सकता है, सो अर्थ हैज इट्स यूनिक शेप, खुद का अपना शेप है, एंड दैट इज कॉल्ड जियोइड, कोई इसका कंपैरिजन नहीं, डायमीटर के बेसिस पे तो ऑब्लेट स्फेरॉइड बोल रहे थे, बट मॉडर्न ज्योग्राफर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इस तरह के, मतलब अब इसका कंपैरिजन दुनिया से, इस तरह का जो भी शेप होगा उसको क्या बोलोगे, जियोइड, अगली बात समझ, बिल्कुल, तो
कहने का मतलब सिंपल है कि ये जो शेप एक्चुअल में इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीओआई शेप। इतना थोड़ा सा याद रखना। दूसरा, यूपीएससी एक स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे अबाउट द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ, ऐसा एग्जांपल आ सकता है, इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। ये क्वेश्चन याद रखना। इक्वेटोरियल डायमीटर, भूमध्य रेखीय व्यास बड़ा है ध्रुवीय व्यास, समझ गए। अभी जो वैल्यू बताई थी मैंने आपको 12756 इज ग्रेटर देन 12714 किलोमीटर, याद रहेगा आपसे। ये फैक्ट नहीं पूछेगा, फैक्ट कभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट ये स्टेटमेंट जरूर आ सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सुनिए आप ध्यान से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और क्वेश्चन में क्या देगा कि इक्वेटोरियल डायमीटर इज लेसर देन पोलर डायमीटर, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग होगा। ठीक है, पिक्चर क्लियर? यहां तक कोई समस्या? चलो अब आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा शेप के बारे में चर्चा कर लेना, ध्यान रखना। अब एक वर्ड और कभी कभी आएगा, वर्ड क्या है? जियोडेसी। ठीक है, हिंदी मीडियम जियोडेसी को याद रखना है ना, ये वर्ड जो है काम आएगा। जियोडेसी कब काम आएगा? एक स्टेटमेंट जरूर आ सकता है कि व्हाट इज जियोडेसी। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि स्फीयर क्यों नहीं है, उसका रीजन दिया था मैंने। कौन सा रीजन दिया था उसके पीछे का? हाँ बिल्कुल, डायमीटर बोला था। तो पीपीटी में आपको ये लाइन जरूर मिलेगी कि ऐसा साइंस, एक साइंस की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा साइंस जो अर्थ के शेप और साइज, सुनना, अर्थ के शेप और साइज के बारे में सर्वे करे, चर्चा करे, उसके शेप साइज के बारे में डिस्कशन करे, या ऐसा साइंस जो कि शेप साइज को डिटरमाइन करे, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, उस साइंस को हम लोग क्या करें? जियोडेसी करें। ठीक है, तो जियोडेसी मतलब प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, जियोडेसी का भी वर्ड वो बोले हिंदी में ऐसा भी लिख के देगा वो। जियोडेसी का मतलब सिंपल है कि जब भी अर्थ के शेप को जब आप निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, उसके बारे में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो, उस विज्ञान को हम लोग जियोडेसी कहते हैं। वर्ड नया ना लगे, नॉर्मली आपको पीपीटी में मिल जाता है, तो आप नॉर्मली रीडिंग से भी समझ सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो आप सबसे ज्यादा एक्चुअल में काम का है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। बचपन से सुनते आ रहे हो ये वर्ड्स, पर कभी जीवन में समझ में नहीं आ पाया कि चल क्या रहा हूँ, लेकर क्यों आ गई। तो बिलीव मी, ये टॉपिक सबसे बेस्ट बन जाएगा आप लोगों का, और ये क्लास के एंड तक पीछा नहीं छोड़ेगा ये टॉपिक। हाँ, जियोडेसी की एक बार डेफिनेशन बता दो प्रभु। ये लो, ये देखो, इट इज अ साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन अर्थ शेप एंड साइज बाय सर्वेज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अब सुनिए ध्यान से राज यादव, ये बढ़िया रिसर्च आप भी करना है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें अपन थोड़ा ज्यादा टाइम लगाए। चलो आगे चलते हैं। अर्थ चिपटा क्यों है? देखो बहुत सारे रीजन है, क्या होता है, कोई बॉडी जब रोटेट करती है ना, तो सेंटर से फोर्स बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। वो फोर्स बाहर जब लगता रहेगा, हजारों लाखों साल तक जब लगता रहेगा तो क्या होगा, सेंटर से कोई भी चीज, जब फोर्स तो हर चीज बाहर निकलने की कोशिश करे, तो ऐसा बोलते हैं कि रोटेशन के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये सेंटर वाले जो हिस्से थे, इक्वेटर वाले हिस्से, ये थोड़े से कंप्लीट हुए। ठीक है, और पोल्स में क्या देखने को मिलेगा, थोड़े से फ्लैट। पीपीटी का मिलेगा, अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा। अब दो वर्ड है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि धीरे धीरे सब डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। इतना तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है कि लर्नर्स डाउट कहां होता है सबसे ज्यादा, इसलिए डोंट वरी, मैं सब बता दूंगा, थोड़ा समय देना बस। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश हिंदी में कहते हैं, और देशांतर हिंदी मीडियम। रिक्वेस्ट आप लोगों से एक बार ये वर्ड्स को इंग्लिश में अच्छे से देख लें, क्योंकि हो सकता है बार बार मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलूं, तो आपको पता है कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो मुझे लैगिंग हो रहा है क्या, आवाज क्लियर है मेरी? चलो ठीक, अब क्या होता है कि कभी भी आपने ग्लोब देखा होगा, सुनना मेरी बात है, उसको लिखना मत कोई भी, प्लीज रिक्वेस्ट, लिखना मत, सब सुनना। जब भी आप कोई भी ग्लोब वगैरह देखते हो, ग्लोब वगैरह जब आपने देखा होगा, तो ये इस तरह की कुछ लाइंस देखी होंगी, कॉमनली दिखाई देती हैं, ऐसी लाइंस दिखाई देती हैं, देखा होगा आपने, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये जो लाइंस हैं आपने, ठीक है, ये जो लाइंस हैं, यही लाइंस को निकालना है, इसी लाइन के बारे में हमें सीखना है, पर ये है क्या, इनको हम समझेंगे। अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से, मैं दो दो वर्ड लिख रहा हूँ, इधर देखने जाते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल लाइंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, हिंदी मीडियम अक्षांश, अक्षांशीय रेखा, लॉन्गिट्यूड देशांतर, देशांतरीय रेखा। कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं सबको टोटल यहाँ पर? चार लाइन दिखाई, चार वर्ड दिखाई। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हो क्या रहा है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो अपना ये अर्थ है, जो आपके आपने जो मैप पे बनाए होंगे ना, घर में जो चिपकाए होंगे मैप, वो ऐसे दिखाई दे रहे होंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको नॉर्थ मान लेते हैं, बोलो हाँ। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, साउथ बोल देते हैं, ये कोई पॉइंट को एंड पॉइंट को ईस्ट लेते हैं, इधर वाले एंड पॉइंट को वेस्ट लेते हैं। ठीक, ये ले लिया आपने। फिर नॉर्मली मैं आपसे बोलूँ कि इस पूरे मैप में कोई आपको एक्स पॉइंट मार्क करना है, सुनिए ध्यान से, कोई भी एक पॉइंट, एक्स नहीं मान लो, एक्स से डर लगता हो तो रामू शामू कुछ भी, ठीक है, तो कोई एक कोई भी नाम ले लीजिए, अपना खुद का नाम रख लो, कोई प्रॉब्लम, तो उसको जो है आपको मार्क करना है यहाँ पर। तो आप क्या बोलोगे, सर इसको मार्क करना बहुत आसान है, कुछ नहीं, हमें एक वर्टिकल लाइन चाहिए, एक वर्टिकल लाइन चाहिए, और एक क्या चाहिए हमें, इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, और वो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो प्लेस हो सकता है आप जिसकी बात करो वो रहेगा। कहने का मतलब कुछ यदि वैल्यूज मिल जाए, लाइन के ऑर्डिनेट्स मिल जाए, तो वो प्लेस देख सकते हैं। अब कहने का मेरा मतलब सिंपल है, ये जो टॉपिक है इसका बेसिक यूज ये है कि किसी भी प्लेस, सुनिए ध्यान से, किसी भी प्लेस की मार्किंग करनी हो आपको, किसी भी प्लेस, किसी भी स्थान का स्थान देखना हो, जगह देखना हो, तो आप इनकी मदद से निकाल सकते हैं, लोकेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्यूरेट पोजीशन, एकदम बेसिक काम बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए यूनिट वैल्यूज, तो अभी कैसे पता लगेगा, कोई भी ये लाइन बन सकती है, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये लाइन बन सकती है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, पर एक बात है, ये तीनों प्लेस एक जैसे नहीं है, तीनों प्लेस क्या है, सेपरेट अलग अलग। ठीक, तो यहाँ पे कितने टाइप की लाइन दिखाई दे रही है, दो लाइन दिखाई दे रही है, एक लाइन आपकी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर,
ऊर्ध्वाधर समझ रहा हूँ ठीक है। और एक लाइन कौन सी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज ठीक। अच्छा सुनना मेरी बात ध्यान से प्लीज, फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, ऐसा नहीं यार दीवारों से टिक कर बैठे, ध्यान से सुनेंगे। वर्टिकल के लिए वी विल यूज लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये जो लाइंस बनाएंगे अभी हम सीखेंगे इनको, डोंट वरी, इनको कौन सा हम लोग वर्ड यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड नहीं बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बोलोगे थोड़ी ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे आप ऐसे लेटी हुई जो रहेंगे, लेटी हुई वो कौन सी लाइन होंगी, लैटिट्यूडनल लाइन हॉरिजॉन्टल होंगी ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली होंगी वो क्या होंगी लैटिट्यूडनल लाइन, और वर्टिकल वाली होंगी वो कौन सी होंगी लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान से मैं रिपीट करता हूं दोबारा, इधर देखो एक बार फिर से दोबारा सब लोग जल्दी से, क्या बोला ये मैं बनाया मैंने, और मैं कहता ये कर रहा था कि ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी ठीक है, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, ऐसी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके लिए कौन सी वर्ड बोल रहा हो आप ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइन बोल रहे हो वेरी गुड, और इनको क्या बोल रहे हो आप लोग, कौन सी लाइन बोल रहे हो इनको, क्या बोल रहे हो लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोल रहे हो ठीक है, आई बात समझ। लेकिन प्लीज ध्यान देना मैंने वर्ड्स लिखे थे यहां पे चार, अभी यूसेज कितने का हुआ, कितने का यूज हुआ है सर, दो का हुआ है, और दो के यूज होने से इतना फायदा हुआ है कि हमें बस इतना मालूम लगा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के नाम क्या है, बस इनकी कोई वैल्यू पता लगी है क्या, कुछ बता पाओगे इसमें एक्स वाई की कोई वैल्यू है कि कोई, कैसे बताओ कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इतना पता है आपको कि हाँ वर्टिकल है तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन कह रहा है, हॉरिजॉन्टल है तो लैटिट्यूडनल, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं, अब कब आएगा जब आप इन दो वर्ड्स पर रिसर्च करोगे, क्योंकि आफ्टर ऑल लैटिट्यूडनल लाइन तभी समझ में आएगा जब लैटिट्यूड पता होगा, व्हाट इज लैटिट्यूड, बस समझ में, और उसके बाद में लॉन्गिट्यूड जब पता हो जाएगा तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन समझ में आएगा। लेकिन मैं इतनी कहानी क्यों समझा रहा हूं, मैं इतनी कहानी इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता है कि एट द एंड एम क्या है हमारा, एम ये है कि हम यदि लैटिट्यूड पढ़ेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, यदि हम लैटिट्यूड को पढ़ लेंगे तो हम क्या सीख जाएंगे, लैटिट्यूडनल लाइन निकालना सीख जाएंगे, हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन निकालना सीख जाएंगे, अगली बात समझ में, तो लेट्स स्टार्ट विद लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड पढ़ने से हमें क्या समझ में आएगा, लैटिट्यूडनल लाइन समझ में आएगी, लैटिट्यूडनल लाइन समझने से क्या होगा, लैटिट्यूडनल लाइन समझने से होगा हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पता लगेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पता करने से क्या होगा, हम एक्जैक्ट पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लोकेशन सीख, तो कनेक्शन समझ में आ गया कि पहले लैटिट्यूड पढ़ो फिर लाइन्स पढ़ो और फिर उसकी लोकेशन बताओ, डन। हाँ अब लैटिट्यूडनल लाइन वर्ड तो समझ में आता है कि कहां रेखा है, बट व्हाट अबाउट लैटिट्यूड, ये वर्ड का मतलब क्या है, इट इज एन एंगल, एक कोण है ये, चलो सब लोग कमेंट में लिखो एक बार लैटिट्यूड का है, इट इज एन एंगल लिखो सब लोग फटाफट लिखो एक बार, कर तो टाइप कर दो, मुझे पता भी लग जाएगा कितने लर्नर्स बैठे हो, कौन कौन बैठे हो, और जरा याद दिमाग में बैठ जाएगा लैटिट्यूड क्या है, एंगल है, एक एंगल है, एक एंगल है। हाँ किसी को थोड़ा अजीब लगता होगा तरीका पढ़ाने का, लेकिन जिस दिन ज्योग्राफी सीख जाओ उस दिन कहोगे कि नहीं सर ये कुछ एक्चुअल में था जो हमें हेल्प कर गया। अब जब भी लैटिट्यूड बोलोगे ना तुरंत दिमाग में क्या आएगा, एंगल वर्ड आएगा ठीक है। अब एंगल के लिए तो आपको कोई पॉइंट चाहिए ठीक है, तभी तो एंगल बना पाओगे, और एंगल बनाने के लिए पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेफरेंस लाइन भी चाहिए, अच्छा ये रेफरेंस लाइन मालूम है ये कितने डिग्री एंगल शो कर रहा है, समय जीरो डिग्री, तो फिलहाल जीरो डिग्री है, लेकिन मान लो मैंने बढ़ा दिया, तो लेट्स से सपोज 10 डिग्री हो गया, लेट्स से सपोज 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ये एंगल कौन सा होगा पूरा एग्जैक्ट 90, समझ आ गया, चलो वेरी गुड। अब इस पॉइंट पर निकालने चलते हैं, पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी की डाटा करेंगे, और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अब मैंने अर्थ को जरा थोड़ा सा काट दिया ठीक है, अर्थ को काटने से क्या हुआ, अर्थ काटने से हुआ कि मुझे क्या एक्चुअल में क्या मिल जाएगा, अर्थ का क्या मिल जाएगा जल्दी बताओ, सेंटर मिल जाएगा, सेंटर से क्या फायदा होगा, सेंटर से फायदा होगा मैं एंगल बना पाऊंगा, पिक्चर समझ आई, एंगल बनाने से क्या होगा मैं लैटिट्यूड बना पाऊंगा, लैटिट्यूड बनाने से क्या होगा मैं लैटिट्यूड लाइन बना पाऊंगा, पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई। हाँ इधर देखो ध्यान से, अब अभी आपने सबने मुझे बताया कि एंगल तो है लेकिन पहला एंगल क्या होगा हमारा, फर्स्ट एंगल क्या होगा जीरो डिग्री होगा, वेरी गुड शाबाश। अच्छा इसको थोड़ा सा आइडिया बना लेते हैं, जीरो डिग्री जीरो डिग्री फॉर एग्जाम्पल, तो इसके ऊपर की डायरेक्शन क्या है सर, नॉर्थ थी याद है, वेरी गुड, और इसके नीचे वाली डायरेक्शन क्या थी, साउथ थी, बहुत अच्छे, चलो शुरू करते हैं, जीरो से लेट से सपोज मैंने एंगल लिया 10 डिग्री का, तो 10 डिग्री किधर जा रहा हूँ, नॉर्थ में साउथ में, 10 डिग्री कहाँ जा रहा हूँ, 10 डिग्री नॉर्थ में जा रहा हूँ, ऐसे एंगल तो मैं नीचे भी बना सकता हूँ, बना लो ना तो कोई दिक्कत नहीं, 10 डिग्री साउथ बना लो कोई प्रॉब्लम, अच्छा 10 डिग्री नॉर्थ बन गया 10 डिग्री साउथ बन गया, अच्छा ऐसे मैं एक एंगल 20 का बना सकता हूँ, 20 डिग्री नॉर्थ बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मैं नीचे 20 डिग्री साउथ का बना सकता हूँ बिल्कुल बना लिए, अच्छा ऐसे ये मैं 45 का बना सकता हूँ, बनाओ ना सर अभी बना लो, एक बार बना लो नीचे बना लो वाली 45 डिग्री साउथ का बना लो, और ऐसे ही मैं ऊपर वाला जो एंगल बनेगा एकदम पोल्स वाला वो 90 डिग्री बना सकता हूँ मैं बिल्कुल बना लो सर, और नीचे वाला जो है आप ये क्या बना रहे हो, ये अर्थ सेंटर से लिया 90 डिग्री साउथ से, आगे बस ठीक क्लियर, तो ये जो एंगल है एक्चुअल में ये क्या है, लैटिट्यूड है, बट हमें तो क्या चाहिए लैटिट्यूडनल लाइंस चाहिए, हमें क्या चाहिए लैटिट्यूडनल लाइंस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें आप लैटिट्यूड बता दो, हर लैटिट्यूड से लाइन बनाना शुरू कर दो, जीरो वाले एंगल से जीरो की लाइन बना दो, 10 डिग्री से 10 की लाइन बना दो, 20 से 20 की लाइन बना दो, 45 वाली 45 ऐसे बहुत सारी आप लाइन बना सकते हो, हर एंगल की लाइन बना दो, ऊपर बना दो नीचे बना दो, अब जब नीचे लाइन बनाने आओगे ऊपर वाली सभी लाइन की वैल्यू क्या करोगे आप, क्या करोगे आप नॉर्थ करोगे, और नीचे वाली क्या करोगे आप, नीचे वाली साउथ करोगे, अच्छा ऐसी कितनी लाइन बनाओगे, बनाते रहेंगे 90 तक बनाएंगे, अच्छा अब आपका अभी पढ़ा आपने अर्थ का रेक्टेंगल है एक स्फीयर सिटी वाला है, तो प्रैक्टिकली एक स्फीयर में इधर देखो ध्यान से कोई लाइन बनाने जाओगे आप तो वो तो चारों ओर बनानी पड़ेगी आपको, तभी तो लाइन बनेगी, तो ये भी लाइन ऐसा नहीं है रुक जाएगी, लाइन पूरी ऐसी रहेगी, ये लाइन पूरी ऐसी रहेगी, ये लाइन पूरी ऐसी रहेगी, मतलब मेरी बात ये लाइन पूरी ऐसी रहेगी, ये लाइन पूरी ऐसी रहेगी, ये लाइन पूरी ऐसी रहेगी, इधर भी ऐसा रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा, मतलब क्या हुआ हर एंगल से आप, हर एंगल से आप एक लाइन बना रहे हो, एम आई राइट, सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला प्लीज ध्यान से सुनेंगे कि ये यदि हमारा अर्थ है तो बीच वाली जो लाइन थी हमारी सेंटर वाली जो हम कहते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं फिलहाल जीरो डिग्री, और जीरो डिग्री के कंपैरिजन में यदि हम लोग देखें ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते आप ऐसे डिग्री बना सकते हो, कहां तक बना सकते हो 1 2 3 करते करते आप ये वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी पूरी आपकी 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे पूरी लाइन क्या हो जाएंगी आपकी 90 डिग्री तक, साउथ वाली कंडीशन बनी रहेगी,
पिक्चर समझ में आ रही है, ऐसे सेम कहानी ऐसे समझ लो। अगर भी ये वाली जो लाइन है आपकी, दिस इज जीरो डिग्री, दिस इज जीरो डिग्री, अरे रुक जाओ, ये चाहे बेसिक कुछ पढ़ लिया होगा बुक में, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ एंगल सब पढ़ेंगे, सब आएगा। थोड़ा इधर समझ लो पहले, इधर देखो ये लाइन जो है, ऐसे आप लाइन बनाते जा रहे हो, लाइन बनाते जा रहा हूँ, पूरे सर्कुलर पैटर्न बनाते जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर जितने भी आप वैल्यूज लिखोगे सब में एंड में क्या लिखा होगा, एंगल के बाद सब में एंड में क्या लिखा है, नॉट लिखा है, और नीचे सब में एंड में क्या लिखा रहेगा, साउथ होता है। अच्छा अब सवाल उठता है कि ऐसे मैं कितनी लाइन बना सकता हूँ, सुनना अच्छे से, सुनना है ना, कितनी लाइन बना सकता हूँ। तो लाइन तो एंगल पर डिपेंड कर रही थी, और जीरो से 90 के बीच में तो मैं कितने एंगल बना सकता हूँ, प्रैक्टिकली कितने एंगल बना सकता हूँ, इनफाइनेट, जीरो से 90 डिग्री कितने एंगल हो सकते, इनफाइनेट हो सकते हैं, तो लाइन भी कितनी बना सकते हो, इनफाइनेट लाइन बना सकते हैं, पर करना क्या मुझे इनफाइनेट बना, कोई मतलब नहीं, इसीलिए इसीलिए क्या होगा, प्लीज रिफ्रेश कर लें, साइड नहीं दिख रही होगी, इनफाइनाइट ना बनाते हुए सुनना मेरी बात ध्यान से, हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं वो 11 डिग्री का लेते हैं, ताकि हमें कन्वीनियंस बना रहे, ठीक है, 11 डिग्री का। इससे क्या होगा, 11 डिग्री से क्या होगा, जीरो से आप कितने एंगल बना पाए थे ऊपर तक, 11 डिग्री से 90 बना पाए थे, बनाए थे, और नीचे भी क्या था, ये जैसे आ गया ना ऊपर, ये जो एंगल था यहां से ऊपर तक ये क्या था, 90 था, क्योंकि मान लो आपने 45 का भी बनाया, 45 की लाइन बन गई थी यहां पे, ऊपर 90 ऐसे नीचे भी 90, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 180 हो गए। बट सुनना, आपका इक्वेटर भी तो एक एंगल है ना, इक्वेटर भी तो एक एंगल है कि नहीं है भाई, ना बोलना भी तो एक राइट टू स्पीच है, समझ आएगी नहीं बात, तो 180 तो हो गए, एक से 90 पूरे, एक से 90 पूरे, बट एक इक्वेटर का भी तो ऐड करोगे, तो टोटल एंगल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स एक डिग्री के डिफरेंस में 181, टोटल क्या हो गए, ये एंगल्स हो गए, क्या हो गए, एंगल्स हो गए। कुछ देर पहले आपने मुझे कमेंट में लिख के दिया था कि एंगल्स के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था आपने, एंगल के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था, लैटिट्यूड। तो कोई आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, तो अपना क्रैक कर दो जरा, लैटिट्यूड मींस एंगल, सेंटर से कितने एंगल बना सकते हो आप, तो ऊपर 90 बना सकते हैं, नीचे 90 बना सकते हैं, और इक्वेटर बना सकते हैं, टोटल 181 बना सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 181। आई बात समझ में, अब वो क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस, लाइंस डिफरेंट थिंग, तो लाइंस में देख लेते हैं, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, लाइन में देखना, इक्वेटर से लाइन बनाई, डन, समझ में आया, 10 डिग्री लाइन बनाई, 20 की बनाई, 30 की बनाई, 40 सब बनाओगे, थोड़ा सोचो, बुद्धि लगाओ, 90 डिग्री पे कोई लाइन बना पाओगे, 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड होगा उस पर कोई लाइन बना पाएंगे क्या, इधर भी देख लो, नीचे भी ये 90 डिग्री पे लाइन बना पाओगे, वहां कहां लाइन बनाने जाओगे पॉइंट पे, लेकिन 89 पे जरूर बना लोगे, थोड़ा अर्थ बचेगा, 70 पे भी अर्थ बच जाएगा, तो लाइन कैसे बनाओगे, देखो इधर ध्यान, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो एक बार ध्यान से फिर सुनना, इधर देखो भाई, इतना तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, सुनना ध्यान से, कि आप हर एंगल पे एक लाइन बना रहे हो, एम आई राइट, जैसे मान लो 10 डिग्री का एंगल है यहां से, 10 डिग्री से आपने लाइन बनाई, ठीक है, 20 डिग्री से लाइन बनाई, ये पूरे अर्थ पे घूमी, फिर एंगल लिया मान लो 45 का, तो ये फुट बनाया, बट सोचो आप 90 डिग्री वाला जो एंगल है, यहां कहां लाइन बनाने जाओगे पॉइंट, वो तो लाइन बना पाओगे, दैट इज द पॉइंट ओनली, ऐसे नीचे भी नीचे, तो ये दो लाइन, दो एंगल जो है वो काम ही नहीं आ पाएगा, यहां पे दो लाइन बन पाएंगे क्या, उसे डॉट की तरह, इसका मतलब टोटल एंगल 181 थे, बट दो जगह में लाइन नहीं बना पाया, तो टोटल लाइंस कितनी हो गई मेरी, टोटल मेरी जो लाइंस है वो कितनी हो गई, टोटल मेरी जो लाइन है वो 179 हुई, पिक्चर समझ में आ गई। तो कोई आपसे बोले कि लैटिट्यूड मींस एंगल कितने हैं, एंगल कितने हैं 11 डिग्री डिफरेंस में, तो 11 डिग्री डिफरेंस में एंगल जो है वो है 181। भैया नेटवर्क प्रॉब्लम है, रिपीट करने की बात है, तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखना, डाउट तो फिर बैठा, बट अब मैं पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मेरा टॉपिक वहीं रह जाएगा, इट्स रिक्वेस्ट, ठीक है, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा इस बात को, पढ़ो नहीं समझना मैं बैठा, तो टोटल लैटिट्यूड बोले वो एंगल की बात करें तो 181 इक्वेटर को भी काउंट करना है, बट लाइंस की बात करें तो दो को हटा देना, क्योंकि डॉट की तरह काम करता है, इसको देखो ना, यहां भी देखो, ये वाला डायग्राम देख रहे थे अपन, बुद्धि लगाओ, देखो ये लैटिट्यूड आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ये जो लाइन है देखो ध्यान, ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड है, एम आई राइट, ये लैटिट्यूड लाइन है, इक्वेटर वाली जीरो वाली, बट यहां आके पोस्ट बना पाएगा वो लाइन, पोस्ट लाइन बनाई नहीं बना पाया, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वाई 181-2, अरे पंकज सिंह वही तो मैं समझाया यार, कंसंट्रेशन थोड़ा तेज करो अपना, ये मैं समझा रहा हूं कि हर एंगल से लाइन बना रहा हूं, इतना समझ में आया, बट पोल पे कैसे लाइन बना पाओगे, पोल पे लाइन खींच सकते हो क्या आप, तो एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल पे, तो दो माइनस करना पड़ा आपने को, कि दो पॉइंट है, दो लाइन नहीं है, इसलिए 181-2 किया आपने, अब आई बात समझ में नहीं है, अब हाउ 181 ये भी समझा दूंगा विशाल, नहीं ध्यान दोगे तो कैसे बनेगा यार, है ना, ये बताया था मैंने, सेंटर से ऊपर 90 एंगल बनोगे ना, जीरो से 90 तक, 1 से 90 90 नीचे 90 और इक्वेटर वाला एक, तो ये क्या होगा 181 में 0 डिग्री इंक्लूड भी किया है मैंने, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन है लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड स्ट्रेट लाइन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, एक अपने आप में सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, वेरी गुड, तो सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल कौन सा होगा, ग्रेट लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल कौन सा होगा, महान वृत्त कौन सा होगा, महान वृत्त कौन सा होगा, पोल वाला या इक्वेटर वाला, बुद्धि लगा लो, पोल वाला इक्वेटर वाला, महान वृत्त लार्जर, जो पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट होगा आपका, ये जो एंगल बना रहे हो आप लार्जर, ये नो डाउट सर्कुलर अरेंजमेंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स इक्वेटर और पोल्स, टुवर्ड्स इक्वेटर और पोल्स, पोल्स की तरफ डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, अगली बात समझ में नहीं आई, बिल्कुल आ गई, तो ये अपने आप में पैरेलल भी बोलोगे, समांतर रेखाएं भी कहोगे, क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, सो प्लीज ध्यान से सुनना, टोटल नंबर कहां से कहां तक हो सकते हैं, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ में हो सकते हैं, 0 से 90 डिग्री साउथ में हो सकते हैं, दूसरी बात टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कितने हैं, तो 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, और प्लस एक इक्वेटर वाला 181, लाइन की बात करें तो 181-2 कर देना 179, ग्रेट सर्कल बोले तो इक्वेटर बोलिएगा, क्या बोलोगे, इक्वेटर बोलना, दूसरी बात क्या ये लाइन पैरेलल है, हां ये पैरेलल है, अब लाइन पैरेलल है इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए सब लाइंस के बीच का, क्योंकि ये वो कनेक्टेड तो हो नहीं रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब कैसे, जैसे सपोज दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री, तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 111 किलोमीटर, हर जगह 111 किलोमीटर है पूरी पृथ्वी पर, क्या इसको नहीं समझ में आ रहा,
ये लैटिट्यूड होगा, ये लैटिट्यूड, इनके बीच का डिफरेंस 111 डिग्री। तब वो जो 45 डिग्री नॉर्थ है, वो जो 45 डिग्री साउथ, सॉरी 46 डिग्री नॉर्थ है, 45 से 46 जाते जाते डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 100 हो जाना। बिल्कुल, कहने का मतलब सिंपल है, कहने का मतलब ये है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर 0 डिग्री है, ऊपर अगला आएगा 1 डिग्री, अगला आएगा 2 डिग्री, तो पहले 111 चलना पड़ेगा, फिर 111, तो डिस्टेंस बिटवीन, सुनिएगा ध्यान से, लिख देता हूं यहां पर जिनको समस्या है। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। आगे बात समझो,